कैसे सब लोग, क्या हाल चाल? मुझे लगता है कि सब लोग बढ़िया ही होंगे, होना भी चाहिए। अभी तक तो नोटिफिकेशन का पता नहीं मुझे चला गया कि नहीं गया, लेकिन हम पहुंच गए हैं। नोटिफिकेशन भी पहुंच ही जाएगा। हाय गरिमा, राधे राधे सर, राधे राधे गरिमा, कैसे हो आप? हाय रेहान भाई, क्या हाल चाल? रेहान भाई सबसे पहले ही पहुँचे, हमेशा की तरह फर्स्ट भेजूंगा। ओके, इनको ही भेज देते हैं, किसी लोगों ने बोला था भेजने के लिए, लिंक भेज दें। हाय अजीज भाई, हाय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दीप भाई, हाय अजिंक जी, कैसे हैं आप? हाय गरिमा एंड नितिन भैया, हाय आकाश, हाय राहुल भाई, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि अच्छे ही होंगे और होना भी अच्छा ही चाहिए। घाँची भाई को भेज देते हैं। खा लिया गरिमा तुमने खाना? गरिमा को बता दें मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, यस ब्रो थैंक्स, लव यू रेहान भाई। माजिद भाई हेलो, कैसे हैं माजिद भाई आप? हेलो भैया, हेलो देवेंद्र, क्या हाल है मेरे भाई, कैसा चल रहा है? हाय मोहम्मद कैफ भाई, क्या हाल चाल? हे भाई, हे हे हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ देवेंद्र, तू बता तू कैसा है भाई? मुझे लगता है तू बहुत बढ़िया होगा, होना भी चाहिए, हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि सबका। हाय गीता जी, कैसी हैं आप? नोटिफिकेशन आया है मुझे लगता है, आज आप आ गई टाइम से, तो इसका मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन आया है। घनश्याम भाई हाय, भाई लिंपिंग नहीं जा रही है, लिंपिंग के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई है, बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज लीजिए, करिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं, करोगे मज़ा आएगा और बहुत जल्दी लिंपिंग चली जाएगी भाई, टेंशन मत लो कैफ भाई, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है लिंपिंग के लिए। हाय मुकेश कुमार जी, हाँ भैया जी, ऑयल रख सकते हैं क्या? हाँ ऑयल लगा सकते हैं, उसकी मालिश मत करिएगा जब तक डॉक्टर ना बोले, क्योंकि मालिश करने में हमारे जो मसल्स होती हैं वो मसल्स थोड़ी सी ना सॉफ्ट, क्योंकि डॉक्टर एक टाइम के बाद डॉक्टर बोलता है मालिश कर सकते हो, लेकिन हमारे अंदर इम्प्लांट हुआ है तो मालिश करना उतना ठीक नहीं है, करते हैं तो उसके आई साइड पर करने से हमारी स्वेलिंग, हमारे जो हमारा स्टिफनेस है वो दूर होता है, लेकिन जब तक डॉक्टर अलाउ ना करें, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि तब तक नहीं करना चाहिए। हेलो बेस्टी गीता जी, कैसी हैं आप? कितने टाइम लगे लिंपिंग जाने में? मोहम्मद कैफ जी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो एक दिन में 3 से 4 बार, तो मुश्किल से 1 महीना लगेगा आगे और आपकी लिंपिंग चली जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा कर नहीं पाते। क्या हाल है भाई? मैं बढ़िया, आई एम ओके गरिमा जी, ओके गुड। आकाश जी, खाना खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात गरिमा ने, बिल्कुल ठीक कहा कि खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको खाना चाहिए। शौकीन भाई मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। हेलो भाई, हेलो रेहान जी, मैं अच्छी हूँ, ओके। रॉड कवर में डालना चाहिए भाई, कितना टाइम तक रहना चाहिए? भाई देख, 1.5 साल के बाद ही निकालना, जल्दीबाजी मत करना निकालने में। कई लोगों ने रॉड रिमूव किया है, उसका एक्सरे अपने मेरे को भेजा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाय डियर, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर शाहिद सर, आई एम रियली वेरी 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 सॉरी, कान पकड़ के सॉरी कि मैं आज गूगल मीट नहीं रख पाया, एक्चुअली मेरा कल पेपर है, इस कारण मैं थोड़ा सा बिजी रहा आज और मैं नहीं कर पाया, समझ सकते हो, है ना? ओके मुजीब भाई ओके जी भाई, आइडिया एक्सरे देखो भाई, कैफ जी आपने मुझे भेज दिया, अभी देख लेता हूँ। रिवाइटल है, अक्षय कुमार टैबलेट ले सकते हैं, अक्षय कुमार टैबलेट ले सकते हैं। रिवाइटल, रिवाइटल किस चीज़ के लिए ले रहे हो आप अभी से ही? मुजीब भाई हरा दे राधे, शुभी कैसे हो आप? इट्स ओके डियर, सॉरी घाची भाई। नहीं गरिमा जी, अभी मैं घर से बाहर हूँ। ओके, वो घर से बाहर हैं, ठीक हो भैया, मालिश नहीं कर सकते हैं बट ऑयल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ऑयल रखिए, एक्सरसाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बार बार खिसक जा रहा है, आई एम सॉरी, एक्चुअली इसको थोड़ा साइट ही कर देते हैं ताकि खिसके ना। हाँ आप सही है नितिन जी, डिनर हो गया आपका? बस हुआ है। राधे राधे, राधे राधे लोकेश, क्या हाल चाल? ओ गीता जी टाइम पे खाना खा लेना, गरिमा बोल रही है गीता को कि खाना खा लेना, दोनों जीजी वाले हैं और लगे हैं आपस में बात करने में, अच्छी बात है। ठीक है भैया, मालिश नहीं कर सकते, ओके। नितिन जी डिनर हो गया आपका? हाँ मेरा डिनर हो गया, डिनर होकर ही मैं आया हूँ। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है, 5 ही लाइक हैं और 22 लोग लाइव दिख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, आते ही ना अच्छा लगता है, सपोर्ट से आप लोगों के। ठीक है गरिमा जी, वैसे ओके, किसी का मैसेज अगर छूट गया है मैं दोबारा देख लेता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आया है। देव भाई गुड इवनिंग, देव भाई को उसके बाद रिप्लाई नहीं कर पाए हम। हाय रियाजुल, रियाजुल, रियाजुल जी आई मिस यू टू रियाजुल भाई, कैसे हैं आप रियाजुल भाई? मुझे लगता है कि आप अच्छे होंगे।
गरिमा जी आपका डिनर हो गया, बताइए। ज़्यादा चलने पर सूजन हो जाती है, मुकेश कुमार जी, ज़्यादा चलने पर स्वेलिंग सबके होती है, स्वेलिंग होने पर आइस पैक सबको यूज़ करना है, आप भी करिए, स्वेलिंग के लिए आइस पैक बेस्ट है, आइस पैक यूज़ करेंगे स्वेलिंग चली जाएगी धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना उसकी, है ना। प्लीज़ जिनका रॉड रिमूव हुआ है उनका एक्सरे दिखाइए, ज़रूर दिखाता हूँ भाई, वो है जो एक्सरे है एक्चुअली, मैं लाइक कर दिया भाई, थैंक यू सो मच। तनिश्वर भाई कैसे हैं आप? सर मेरा एरिया में नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोकेश भाई हाँ यार, नेट की प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा देर को लाइव मैन में दिक्कत होगा, कोई इशू नहीं है यार, नेट की प्रॉब्लम तो होती रहती है, बाकी लाइव तो अभी लाइव नहीं आ पा रहा तो बाद में देख लिया कर, कोई इशू की बात नहीं है। दूध आ गया मेरा, और आप लोगों के पास भी अगर दूध है तो जल्दी जल्दी पी लो, और हल्दी वाला दूध पीना, हल्दी एंटीबायोटिक होती है और पीना अच्छा होता है। एवरग्रीन सिटिंग वर्क टू लर्न फॉर अस, एवरग्रीन सिटिंग वर्क टू लर्न फॉर अस। मुझे सुधाकर जी क्या चीज़? सर मेरा आज का कैसा था एक्सरे? लोकेश भाई बढ़िया था, कोई इशू नहीं था, मैंने अप्लाई किया था, मैंने कर दिया था, थैंक यू सो मच। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ, वो एक्चुअली जो एक्सरे है वो एक्सरे है आपका फीमर का, फीमर बोन का है, तो 2.5 साल बाद उन्होंने निकाला है फीमर बोन, उसका एक्सरे है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो। ओके ये रहा, एक रॉड रिमूवल का एक और आया था केस, एक इनका ये रॉड वाला भी है, रॉड वाला भी दिखा देता हूँ, दोनों चीज़ें आपके सामने शो करते हैं। यार एक और केस था, कहाँ गया, रॉड रिमूवल के दो एक्सरे आज मेरे सामने आए थे एक्चुअली, दूसरा वाला मिल नहीं रहा, एक है फीमर फ्रैक्चर का, तो मैं दिखा देता हूँ कि रॉड रिमूव होने के बाद, तो ये आपके सामने एक्सरे दिख रहा होगा, इनका रॉड रिमूव हुआ है, और रॉड रिमूव होने के बाद ये पूछ रहे कि बोन कैसा है, जो रॉड था तो कुछ इस टाइप का था, 2.5 साल बाद इन्होंने रॉड रिमूव किया है। ये हैं विशाल जी, लिम्पिंग भाई जल्दी नहीं कर सी नहीं जा सकती लिम्पिंग, कैफ भाई लिम्पिंग जा सकती है एक्सरसाइज करने से, आपको कैफ भाई कितना टाइम हुआ है ये बताइए, एक्सरसाइज भी डॉक्टर से पूछ के ही करनी चाहिए, अपने मन से एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, क्योंकि कम दिन में अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर लोगे वो आपके लिए दिक्कत होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी इशू नहीं होता, मेरे पास भी है, मेरा मन नहीं है दौड़ पाने का, मेरे पास भी है पर मेरा मन नहीं है दूध पीने का, पीना ज़रूरी है, दूध ज़रूरी है पीना, ऐसा नहीं कि अपने डॉगी को दिया हो या किसी को दिया हो, ये चीज़ गलत है, तो प्लीज़ डॉगी को नहीं देना, खुद से दूध पीना है सब लोगों को। नितिन जी और खाना टाइम पे खाना, और नितिन जी कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देखिए गीता जी आप 10 लोगों की बातें मत सुनो, मैं बार बार बोलता हूँ कि लोग आपको बोलेंगे, आपको होपलेस करेंगे, आपको होपलेस नहीं होना है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप सही हो तो इसका मतलब आप सही हो, आपका जो एक्सरे था उसमें आपका बोन टच हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ जाएगा। कैफ भाई 2.5 मंथ हो गया है, 2.5 मंथ हुआ है अभी आपको, तो देखिए जल्दीबाजी मत करिएगा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मैंने एक्सरसाइज बताई है, वो सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मैंने शेयर भी करी है, कोई इशू की बात नहीं है। ग्रेट भाई हाय, सुमेध भाई कैसे हैं आप? ग्रेट भाई क्या हाल चाल आपके? मेरे पास भी है, मेरा मन नहीं कर रहा दूध पीने का, पीना ज़रूरी है भाई, दूध नहीं छोड़ना। सर मेरा आज का एक्सरे कैसा था? लोकेश भाई बेस्ट था तेरा एक्सरे, मैंने बताया भी था तो कमेंट भी किया था। सर मेरा नेट की प्रॉब्लम बहुत है, ओके नेट का इशू हो रहा। गीता जी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, आप टेंशन मत लो, बस मेन चीज़ यही है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लोगे सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। लोकेश भाई अगर यहाँ हैं तो लोकेश भाई का ही एक्सरे हम देख लेते हैं, ये हमारे लोकेश भाई का एक्सरे है, और आज इवन मेरा जो जो आप लोगों ने इसका थंबनेल देखा होगा वो थंबनेल भी लोकेश भाई का एक्सरे ही है, तो लोकेश भाई का बोन जो है वो बहुत अच्छा हील हो चुका है, आराम से दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा कि वो बहुत अच्छी तरह से हील हो रहा है, कोई इशू की बात नज़र नहीं आ रही, तो ऑल द बेस्ट भाई। ये है हमारे किसका था, विशाल भाई का एक्सरे था, विशाल भाई ने 2.5 साल बाद निकाल दिया है रॉड, और देखो बोन की रिमॉडलिंग हो जाती है ना, तो बोन को जिस टाइप से दिखाई देती है रिमॉडलिंग हो रखी है यहाँ पे, और धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, और अब ये नॉर्मल लाइफ में लौट गए हैं। मोबाइल का टेक्नीशियन बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ? मुजीब भाई आप मोबाइल का टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, मोबाइल के बारे में आपने सीखा भी होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऑल द बेस्ट, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपको आप तो सेलिब्रिटी बन गए, मोहम्मद कैफ क्रिकेटर भी आपसे जुड़े हुए हैं क्या सर? सर नमस्कार सर, आज संडे था, आज मैंने इसलिए गूगल मीटिंग रखा क्योंकि आप भी बिज़ी थे और मैं भी बहुत बिज़ी हो गया था, और संडे के टाइम सब लोग बिज़ी रहते हैं ना इसीलिए। तो कैसे हैं सर किशोर सर? मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया हो चुके होंगे। हाय शिवशंकर जी, हाय तरुण भाई क्या हालचाल? गरिमा बोल रही है मेरी हड्डी तो जुड़ गई ना सर, जुड़ गई लोकेश भाई, कोई टेंशन नहीं है,
गीता जी थोड़ा टाइम खुद को दो और खुद के साथ सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, प्लीज़ डोंट वरी। देखो गीता अब तो गरिमा जी भी यहाँ पे आके लाइव में आपको सजेशंस दे रही हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हाय शिवशंकर जी, कैसे हैं आप? फीमर और रॉड रिमूव भी हो जाती है, कुछ दिक्कत तो नहीं होती रॉड रिमूव करने करवाने के बाद? रनिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसलिए ये दिखाया, ये फीमर की ही बोन है, आपको दिख रही होगी, और इनका रॉड रिमूव हुआ है। सर मैंने अपना एक्सरे भेजा है, रानी जी अभी देख लेते हैं। आइसक्रीम खाया तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं सुमित भाई, कभी कभी खा सकते हैं, मैंने भी खाया था, तो झूठ क्यों बोलूँ, मेरे का गला ख़राब हो रहा था उस समय खाया था, तो नहीं खाना चाहिए बहुत मीठा, लेकिन हाँ कभी कभी चलता है यार, कभी कभी तो पार्टी करनी चाहिए ना। सर मैं आपकी लाइव से 4 मिनट पीछे हूँ, रुक रुक के चल रही है। ओ सॉरी लोकेश भाई, एड्स ने भी परेशान किया होगा, किस किस को एड्स ने परेशान किया है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एड्स भी परेशान कर रहे होंगे क्योंकि आजकल इसमें एड्स आ जाते हैं। सर मैंने अपना एक्सरे भेजा है, रानी जी अभी देख लेता हूँ। कैल्शियम किस किस चीज़ में है भैया पाया जाता है ज़्यादा? देखिए शिवशंकर जी, कैल्शियम के लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे हड्डी से कट कट की आवाज़ आ रही है, हम लोग जब चलते हैं हमारे पैर से कट 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 की आवाज़ आती है, मोड़ने में कट कट की आवाज़ आती है। प्लीज़ दूध ज़्यादा पियो यार, कैल्शियम ज़्यादा लो, ज़्यादा कैल्शियम लोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे को अभी एक सर हैं, उनके विटामिन D3 कम आया था उनका, तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप कैल्शियम का भी टेस्ट कराओ। कैल्शियम और विटामिन D3 उनका कम था, तो विटामिन D3 की गोलियाँ चल रही हैं और कैल्शियम लेने के लिए कहा है, तो उनके यहाँ पे हाथ के यहाँ पे दर्द होता था, कट कट करता था, उन्होंने दूध दूध लेना शुरू कराया और उससे उनको फ़र्क पड़ रहा है। तो प्लीज़ कैल्शियम से ज़्यादा चीज़ें ले लीजिए, इसमें आपको कट कट की जो आवाज़ है ना वो दिक्कत नहीं होगी। कई लोगों को आती है घुटने में कट कट की आवाज़ आ रही है यार, है वो सबके लिए। हाय महेश भाई, पैर तो ठीक हुआ, हाथ टूट गया, अब क्या बोलूँ? अरे एक हाथ कैसे टूट गया तरुण भाई, कैसे टूट गया, क्या हुआ? कौन सा टेंशन बनना अच्छा होता है? मुझे भाई मुझे ऐसे ज़्यादा आइडिया नहीं है यार ये मोबाइल वगैरह का, सीरियसली। लेकिन अगर आप मोबाइल में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह ये सब कुछ बेस्ट है वो। सर एक्सरे भेजा है, बताओ ठीक है? एक मिनट देख लेता हूँ, मैसेज नहीं पढ़ा। ओ सॉरी रियाजुल भाई, मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा, ऐसा कैसे? स्टिक से चलते हुए 25 दिन हो गए हैं, कितने दिन में छूटेगा? 25 दिन हो गए हैं, छोड़ सकते हैं आपकी बॉडी अलाउ करे तो। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको अपना जो आपका जब आप चलते हैं ना, चलने के बाद आप स्टिक को अपोजिट साइड रख लें, मतलब जैसे आप स्टिक चल रहे हैं, आप नॉर्मल स्टिक के साथ चलना शुरू कर दिया है, तो आपको उसको छोड़ने की आदत डालनी है, तो बीच में कभी हटा के देख लो, हटा के 2-3 स्टेप चलो, अगर चला जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चला जा रहा तो अभी नहीं छोड़ना उसको, ठीक है ना। थैंक्स भाई, अरे थैंक्स क्यों बोल रहे हो सुमित भाई, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम एक फैमिली हैं, प्लीज़ थैंक्स मत बोला कर भाई, भाई है तू हमारा। मैसेज नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी, मैंने नहीं छोड़ दिया तो। सर मेरा हड्डी नहीं जुड़ रहा है। रानी जी अभी आपका एक्सरे देखता हूँ भाई, मुझे पता है कि आप भाई हैं कोई, मैं नाम आपका भूल रहा हूँ एक्चुअली, रानी भाई, रानी जी के नाम से आपकी आईडी है, अभी ऐड करता हूँ, देखता हूँ। टुडे 45 डेज ऑफ माय पटेला फ्रैक्चर, अपर टिबिया फ्रैक्चर सर्जरी, नाउ आई कैन स्टार्ट फिजियोथेरेपी। रीना थॉमस जी, देखिए आप बोल रहे हो कि आपको 45 डेज हुए हैं, प्लीज़ अभी फिजियोथेरेपी मत कराइए, फिजियोथेरेपी इतनी जल्दी नहीं करानी चाहिए, और खासकर पटेला फ्रैक्चर में। एक केस मैं बताता हूँ आपको कि एक भाई है, वो अभी यहाँ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, उनका इशू क्या हुआ था, दही 370, हाँ दही बहुत अच्छा होता है, सही बोल रहे हैं मुझे भाई। तो रीना जी देखिए क्या हुआ था, उनका पटेला फ्रैक्चर हुआ था, पटेला फ्रैक्चर के बाद उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि मोड़ो 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 मोड़ो, उन्होंने ज़्यादा मोड़ना लगाया, तो मोड़ने से क्या हुआ, उनका पटेला में एक्चुअली बोन ग्राफ्टिंग हुई थी, और डॉक्टर ने बोला मोड़ो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका पटेला टूट गया दोबारा फिजियोथेरेपी करने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा मुड़ने के चक्कर में वो टूट गया, अब दोबारा से उनका सर्जरी हुआ है और उनके वायर हटा के उसको टेंडन के साथ जोड़ दिया है, बस कोई सपोर्ट नहीं दिया। तो रिस्की होता है, बड़ी जल्दीबाजी मत करिएगा, खुद से करो एक्सरसाइज, आप खुद कर लो, जितना झेल सकते हो उतना करो, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना। थैंक्स सर लोकेश भाई, ऑल द बेस्ट। कोई ग्रुप में टेक्नीशियन है क्या? कोई ग्रुप में टेक्नीशियन है तो प्लीज़ बताएं। अजय जी सर मेरा साइकिल 8 से 9 किलोमीटर चला सकता हूँ। आपको जितना आपका पैर अलाउ करता है आप चला सकते हो, जितना ज़्यादा चलाओगे आपकी स्टिफनेस दूर होगी, आपका पैर सही होगा, कोई इशू नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि चाल में फ़र्क आ रहा आ जाता है फ्रैक्चर के बाद, झूठ बोलते हैं, उनको कुछ पता नहीं है JDD6 भाई, कुछ फ़र्क नहीं आता, लोग चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, दौड़ रहे हैं, मैंने खुद देखे हैं यार लोग दौड़ते हुए, कोई फ़र्क नहीं आता है। हाँ ये है कि किसी का बहुत बहुत मेजर फ्रैक्चर हो जाता है, कम्यूटेड फ्रैक्चर, कम्यूटेटेड फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें थोड़ा इशू हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कोई चेंज नहीं होता लाइफ में, कुछ ये टाइम बहुत रिस्की होता है बस, और कुछ नहीं होता। मैं इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन हूँ। लो भाई घनश्याम जी हैं, थैंक यू। रीना मैम प्लीज़ थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू की जगह एक लाइक कर दीजिए, इतना काफ़ी है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ एज अ फैमिली होते हैं, क्योंकि हमारे को जितनी नॉलेज है, हमको जितना हम लोगों ने खुद से सीखा या डॉक्टर से पूछा वो सब किया ना, उससे हम लोग हेल्प करते हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा थैंक यू वाला।
तो रूप भाई ने कुछ भेजा है, मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ फटाफट फटाफट सब लोगों के मैसेजेस। एक 67 KB का एक ये क्या चीज़ है, ये क्या भेजा भाई मुझे 67 KB का, मछली मछली है ये क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ें क्या भेजी मेरे को आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या भेजा है और क्यों भेजा है। एक्चुअली आपका एक्सरे मैंने ऐड कर दिया, वो मछली जैसा क्या भेजा आपने मेरे को, वीडियो आया है चलिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। जिन जिन का एक्सरे आया था मेरे पास 31 18 लाइक हैं और सिर्फ 31 लोग लाइव हैं यार, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, 26 लाइक 15 लाइव सब कर दो, थैंक यू सो मच। PDH से भी हड्डी नहीं जुड़ा, अब क्या करूं मुजीब सुधाकर जी, PDH से भी नहीं जुड़ा, अब तो बोन ग्राफ्टर ही ग्राफ्टिंग ही एक बची है, PDH से तो जुड़ जाता है ज़्यादातर केस में। 45 डेज़ हो गए हैं अब तक चल सकता हूँ, 45 डेज़ हो गए हैं तनिश्वर जी, आपको तो डॉक्टर आपको 20% वेट के साथ चलने के लिए बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता आपका फ्रैक्चर कैसा है, फ्रैक्चर सब्जेक्टिव वैरी करता है, मेरे को 45 डेज़ में बोला था विद पार्शियल वेट चलने के लिए, तो पैर रख के पंजा रख के चलना मैंने शुरू किया था। हेलो भाई, हेलो कृष्ण कुमार जी, कैसे हैं आप, आज खाने में क्या खाया आपने सर गरिमा, आज मैंने खाने में क्या खाया, मैंने खाने में नॉर्मल रोटी सब्जी खाई यार और तो कुछ नहीं खाया। हेलो भाई, हेलो किरण कुमार जी, आज आपका लाइव अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ नेट प्रॉब्लम के कारण। ओ लोकेश भाई कोई बात नहीं, मैं आपका एक्सरे ऐड करता हूँ। 22 वाला लाइक मेरा है, आ गया मेरा दीपक, कैसा मेरा दीपक। MD वसीम, मोहम्मद वसीम जी, हाय हाय मोहम्मद वसीम जी, कैसे हैं आप, एक सेकंड में आपका एक्सरे ऐड करता हूँ जिन लोगों ने मुझे भेजा था, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए और अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो वो हमें सुपर चैट भी कर सकता है, ऑप्शन नीचे अवेलेबल है, थैंक यू सो मच। मैं ऐड कर लेता हूँ एक्सरेज, ओके, ये एक्सरे किसका है, अगर आप में से किसी का है तो प्लीज़ बताएं, मैं इसको अपोजिट करता हूँ ताकि सॉरी आप कितना दिन के बाद, एक मिनट हाँ ये नाम नहीं दिख पा रहा है लेकिन हाँ एक्सरे दिख रहा है, किसका एक्सरे है प्लीज़ बताएं। गुड सर, खाना खाना चाहिए, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है गिरिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी खाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सर मेरा एक्सरे दिखा दीजिए, बोले मेरा अभी शादी भी नहीं हुआ है, बहुत डर लग रहा है। डरिए मत रानी भाई, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। आपका नाम बताओ पहले, आपका नाम क्या है यार, नाम तो बताओ। सॉरी गाइस सही है दीपक, तू क्या लिखता है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर, घनश्याम भाई अपना नंबर दे दीजिए। 22 लाइक मेरा है, थैंक यू सो मच। हाय रंजीत भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। गुड सर पीयूष, टुमारो आई एम गोइंग टू रिमूव माई स्टिचेस, ऑल द बेस्ट पीयूष भाई, अगर आपके स्टिचेस रिमूव हो जाएंगे तो बहुत जल्दी आपको डॉक्टर बोलेगा चलने के लिए, तो ऑल द बेस्ट उस चीज़ के लिए। ये किसका एक्सरे है प्लीज़ अगर आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता आप लोग नाम नहीं लिखते ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है। और रानी भाई अपना नाम लिखो, मुझे पता है कि आपका नाम रानी नहीं है, वो किसी की आईडी आप यूज़ करते हो। ये किसी का स्पायरल फ्रैक्चर है, ऊपर से बोन रख दिया गया है, कोई इशू नहीं है, बोन को बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल रख दिया है आराम से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। किसका एक्सरे है ये प्लीज़ बताएं। 37 लोग लाइव हैं और 37 में से लाइक कभी कमी है, मैंने देखे नहीं कितने एक्चुअली, एक सेकेंड। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ लगा दिया है, जो लगा रहा था वो तो लगा नहीं, हाँ व्हाट्सएप नंबर लग गया, कोई बात नहीं। एक मिनट कहाँ गया। हाँ ये रहा, ठीक है लगा दिया, ओके। नितिन जी मेरा एक्सरे में मुझे थोड़ा हड्डी खिसक रही है ऐसा लग रहा है, ऐसा मत डरो यार, कुछ नहीं है ऐसा मैंने बोल दिया। हाउस वायरिंग का करता हूँ मैं, घनश्याम जी हाउस वायरिंग का करते हैं, अगर आपको उनसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे पता है कि घनश्याम भाई हमेशा ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, तो कोई इशू की बात नहीं है। साला घर में भी साला गेम भी नहीं चल रहा, मूड ऑफ है, आई लॉस्ट मैच, हार गया ना अब तू, तभी यहाँ आया है वरना तू टाइम से नहीं आता कभी भी, है ना, तू आ गया इसलिए अच्छा ही हुआ तू हार गया, चढ़ रहा होगा ना मेरे को देख के, कोई बात नहीं। सर कैसे हैं आप, किशोर सर प्लीज़ बताइए ना कैसी रिकवरी हो गई आपकी, क्योंकि आपकी रिकवरी से तो हम बहुत ज़्यादा मतलब उसी से तो हम सीखते हैं, हम देखते हैं, पता चलता है कि कितना ठीक हो रहा है आदमी, तो प्लीज़ प्लीज़ बताएं, मैं भी सीखना चाहता हूँ, वो भी सीखना चाहते हैं तो उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। घनश्याम भाई किसी को दूध पी रहा है तो आ सकता है, बहुत ज़्यादा है, साथ में कलम कर लेंगे, मैं भी सीखना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। 34 लाइक हो गए हैं, ओके
हेलो भाई हेलो। ओके यहाँ पे क्या था? टेक्नीशियन टेक्निकल राहुल राहुल टेक्निकल सर राहुल राहुल आ गए हैं तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सुजीत भाई हाय, एक मिनट में मैसेज पढ़ता हूँ आपका। मेरा आज पूरा प्लान ख़राब हो गया। क्या प्लान था तेरा आज? या मेरा एक्सरे है अमित अमित भाई का एक्सरे है ये, ठीक है। मेरा तो आज पूरा क्यों मेरा मुझे भी सीखना चाहता हूँ। हेलो भाई, हेलो सुजीत जी। टेक्निशियल राज जी कह रहे हैं, सर अगर हम वॉकर से चल रहे हैं तो फुल वेट पर आने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप वॉकर से चल रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि अगर आप फुल वेट बेयरिंग को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे अकॉर्डिंग फुल वेट बेयरिंग क्या है कि जब आप चलते हैं विद वॉकर और पूरा पैर रख के, अगर आप चल रहे हैं पूरा वेट डाल के विद वॉकर भी चल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फुल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। तो फुल वेट बेयरिंग ये मत सोचो कि विदाउट वॉकर ही चलना का वो आप फुल वेट बेयरिंग बोलते हो। अगर आप वॉकर से पूरे पैर रख के आराम से चल पा रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ फुल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आप बोल रहे हो कि आप वॉकर से चल रहे हो, यानी कि अगर आप पार्शियल वेट चल रहे हो तो पार्शियल वेट से फुल वेट में आने में 1 महीना लगता है। लगातार चलना है उसके लिए आपको, और अपने एक्सरसाइज को जारी रखना है। मैं सब लोगों से ये बोलता हूँ कि एक्सरसाइज जारी रखो। मेरे पास कुछ पर्सनली मैसेज आए हैं कि घनश्याम जी नंबर प्लीज़, घनश्याम जी अपना नंबर मांग रहे हैं। तो मेरे पास पर्सनली एक मैसेज आए थे कि कुछ एक्सरसाइज आप हमेशा इंग्लिश में डाल रहे हो, वहाँ कमेंट्स कर रहे हो, तो मैंने आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों को पहले सॉरी बोलता हूँ जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में नहीं करता, तो मैंने आप लोगों के लिए ईजीली समझने के लिए ना कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आपको वो समझ में आए तो आपको सही लगेगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं कि पटेला मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कैसे करनी है, पटेला को मोबिलाइज करके कैसे एक्सरसाइज करनी है। पैरों को लंबा करते हुए बैठ जाएं या लेट जाएं, फिर घुटने को की पाली को, पटेला को हाथ से की उंगलियों से और अंगूठे से बीच से पकड़ते हुए, ये स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, जिसका फ्रैक्चर होता है ना स्टार्टिंग के टाइम पे भी ये कर सकते हैं। उसको पटेला को पकड़ना है और उसे आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाना है पटेला को, जिनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होना पटेला की अपर साइड की फ्रैक्चर हो, तो पटेला मोबिलाइजेशन ज़रूर ज़रूर करना चाहिए उन्हें, जिनका पटेला फ्रैक्चर है। 45 डेज़ की एक मैडम थी जिन्होंने बोला, तो उनके लिए ये बेस्ट है, वो ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। घुटने की रेंज बढ़ेगी, अकड़न कम होगी और घुटने का दर्द भी कम होगा इससे। फोर्स के साथ, बहुत फोर्स के साथ ना करें, हल्के हल्के आराम आराम से करना है। एंकल या पैरों में सूजन होने पर तकिए की मदद से एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो कई लोग बोल रहे थे कि क्या करनी है एक्सरसाइज, तो उनके लिए भी ये है। इसको मैं पूरा शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी, और मैं इसको यूट्यूब में आप कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को दिख जाए, आप ये देख सकते हैं कि कैसे वो करना है। थोड़ा सा बोलने में तो दिखने में ज़्यादा इजी लगेगा आपको, अगर आपको दिख रहा होगा मुझे लगता है। मुझे किसी ने एक्सरे भेजा है, मैं भी उसका एक्सरे भी ऐड करता हूँ, कुछ एक्सरे पहले भी आए थे वो भी ऐड करता हूँ। सब डांस कर रहे थे मेरे को छोड़ के, बापा मोरिया बाय बाय। कोई बात नहीं दीपक, तू भी करेगा डांस बहुत जल्दी, नेक्स्ट ईयर तक तू भी नॉर्मल हो जाएगा। आई वॉक विद वेरी लिटिल लिम्पिंग, माई इंजर्ड लेग लुक्स लाइक नॉर्मल लेफ्ट लेफ्ट लेग, आई होप आई विल बी नॉर्मल विद इन 1 मंथ। तो ये किशोर सर की बातें थी, किशोर सर बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हो रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये जो लेग कर्ल एक्सरसाइज है, एंकल टो मूवमेंट है, हम लोग इस चीज़ को बताते रहते हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसे रियली बताया, मतलब ऐसे हमने आपको करके भी बताया है, फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने हिंदी में निकाला है, आप इसको कर सकते हैं। सर आपके लाइव मज़ा नहीं आ रहा है, नेट इशू कह रहा है, आई एम सॉरी लोकेश, मैं क्या करूँ बता, मैं इसमें कुछ नहीं हेल्प कर सकता ना तेरी। लेकिन हाँ, तू ये लाइव को कल आराम से देख सकता है, ये बात पक्का है, और तू बिल्कुल मिस नहीं करेगा, तुझे ऐसा लगेगा कि हम लाइव ही चल रहे हैं, है ना, कोई इशू की बात नहीं है। तो भाई लोग, जिन लोगों ने एक्सरे भेजा था उनको सॉरी, मैं अभी आपका एक्सरे ऐड करता हूँ। ये किसी का एक्सरे है? अगर आप में से किसी का है तो प्लीज़ बताएँ। ये हमारे राजपूत स्वरूप सिंह जी का है। स्वरूप सिंह जी, अगर आप लाइव हैं तो आपका एक्सरे हमने यहाँ लगा रखा है। कहाँ पे हैं आप? स्वरूप सिंह जी, रूप सिंह जी, रूप सिंह जी का एक्सरे है, रूप भाई का एक्सरे है एक्चुअली ये। तो रूप भाई को बुला लेते हैं ताकि वो आ जाए यहाँ पे। सर आजकल का लाइव में मज़ा नहीं आ रहा है नेट इशू के कारण, आई एम सॉरी भाई, मैं क्या करूँ बताना उसके लिए। तो रूप भाई का एक्सरे है, रूप भाई का एक्सरे मुझे साफ दिख रहा है कि उनका बोन जो है वो अच्छी तरह हील हो चुका है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, कोई इशू की बात नहीं है। पटे जो फिबुला बोन है वो एक के ऊपर एक रख दी गई है, फिबुला बोन बहुत पतली सी है। राहुल अली जी, सर मेरा फीमर फ्रैक्चर है, अभी
2 मंथ हुआ है मैं स्टिक से चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप 2 महीने के अंदर अगर आप स्टिक से चल रहे हो ना, बेस्ट है वो चीज़। 60 दिन के अंदर स्टिक पे अगर बंदा आ जाए तो इसका मतलब है कि उसकी रिकवरी बहुत अच्छी है और उसका मसल्स अभी स्ट्रांग है, उसकी मसल्स अभी वीक नहीं हुई है। तो आप बस मसल्स की एक्सरसाइज करते रहो यार, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। राहुल भाई ऑल द बेस्ट। बड़े तेज हो रहे हो ना, बड़े तेज हो रहे हो। हाँ किसको बोल रहा है बड़ी तेज हो रहे हो? तो चलो ठीक है। एयरटेल वाला चमन चिल्लू इशू ठीक कर दो वे, एयरटेल वाला इशू ठीक कर दो भाई। एयरटेल वाला क्या बोल रहे हो? टिबिया प्रॉक्सिमल फ्रैक्चर 60 डेज हो गए हैं शिवकेश्वर भाई। पेन और कितना दिन रहेगा भाई? लाइफ लॉन्ग क्या? नहीं नहीं शिवकेश्वर भाई बिल्कुल नहीं। प्रॉक्सिमल टिबिया के केस में एक ही चीज़ मेन है। प्रॉक्सिमल टिबिया के केस में मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही चीज़ मेन है, क्या? आपका बेंडिंग। अगर आपकी बेंडिंग अच्छी हो गई तो आपको कोई इशू नहीं रहेगा आगे तक, कभी भी नहीं रहेगा। ये चीज़ आप नोट डाउन करके रख लो, अपने मन में बैठा लो। बस आपको बेंडिंग पूरी करनी है, वॉक पूरी करनी है, SLR पूरा करना है। करते रहोगे ना कोई इशू नहीं आएगा लाइफ लॉन्ग, कभी भी नहीं। पेन अभी आपको हो रहा होगा, स्टार्टिंग के डेज में पेन होता है, कभी कभी मेरे घुटने में पेन हो जाता है, कभी कभी वहाँ पेन होता है जहाँ फ्रैक्चर है। उसके अलावा आइस पैक लगाइए, आइस पैक से आपका वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आइस पैक से आराम मिलता है, थोड़ा सा ठंडक मिलती है। चलने के बाद वो पेन होता होगा कभी कभी, तो उससे घबराइए मत, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक सॉन्ग सुना दो फिर आप सर। सॉन्ग थैंक यू यार, सॉन्ग तो नहीं, मैं सॉन्ग नहीं गाता। कई लोग सॉन्ग गाते हैं, उन्होंने सॉन्ग गाना बंद कर दिया है। मेरे पास सॉन्ग आता तो मैं यहाँ लगा देता, आई एम सॉरी गरिमा। तो वो अगर वो सॉन्ग आएंगे तो मैं ज़रूर लगाऊंगा, बहुत टाइम से नहीं आया एक्चुअली। व्हाट अबाउट अफजल भाई एंड जैद सर, ड्रॉकी शर्मा एक्सेट्रा? सर वो सब ठीक हो गए हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और वो अब उनको भी टाइम नहीं होता होगा सर। जैद भाई बहुत बिज़ी हैं, उनसे बात हुई थी एक बार तो बोल रहे थे कि मैं बहुत बिज़ी हो गया हूँ, मार्केटिंग की जॉब है, तो वो इशू हो जाता है उनके साथ। अफजल भाई को सर स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, वो भी बिज़ी हैं, इवनिंग में आते डेली हैं वो, अभी शायद वो थोड़ी देर बाद आएंगे, आते हैं थोड़े टाइम के लिए। बाकी रॉकी शर्मा जी तो बिल्कुल गायब हैं, बीच में कभी कभी आते भी थे, अब तो बिल्कुल गायब हैं, बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो चुके हैं। तो अच्छी बात है सर, वो लोग जा रहे हैं। जो लोग ठीक हो जाते हैं वो दिल से जो सॉरी, रॉकी शर्मा सर का नाम लिया, सर हैं यहीं पर, वो दिख गया होगा नीचे, तो रॉकी शर्मा सर यहीं हैं। सॉरी रॉकी सर, मुझे लगा आप नहीं हो यहाँ पर, लेकिन वो थे, वो यहीं थे। आज एक सॉन्ग सुनाओ फिर आप सर। गाइस कौन कौन एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा है? मैं एयरटेल भी कर रहा हूँ, जियो भी कर रहा हूँ भाई। हाय किशोर सर, आ गया रॉकी भाई। जॉइंट के पास आपका भी गांठ जैसा दिखता है क्या भाई? आईपीएल देख रहा था। अच्छा ओके, देखिए आप सुधु भाई, आप बोल रहे हो कि जॉइंट के पास गांठ सा दिखता है मेरे, अगर मैं आपको अपना ये दिखा पाऊँ ना, मेरे उसमें भी एक ऐसा मोटा सा गांठ टाइप का लगता है। कोई इशू की बात नहीं है, रीमॉडलिंग में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर मैंने एक्सरे भेजा है, अभी ऐड करता हूँ। सॉन्ग की फरमाइश आ रही है, सुनाओ नितिन भाई। यार सॉन्ग जो लोग गाते हैं ना वो गा नहीं रहे आजकल, वो भेज नहीं रहे आजकल। अगर वो भेजते तो मैं ज़रूर सुनाता, और भाई मैं सॉन्ग वगैरह नहीं गाता, आप लोगों को पता है कि ऐसे आवाज़ में सॉन्ग नहीं गाया जाता। आईपीएल देख रहा था ओके। और मेरा सर 45 डेज अंदर पूरा पैर 180 डिग्री मूव कर सकता हूँ। आपको 45 डेज हुए हैं, आप अगर मूव कर रहे हैं अच्छी बात है, आराम से मूव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फीमर फ्रैक्चर के बाद देखिए, अगर आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से मोड़ पाओगे यार, अच्छी बात है यार, मोड़ पा रहे हो तो ऑल द बेस्ट राहुल भाई। बस वॉक और एक्सरसाइज जारी रखो अपनी। मुझे सॉन्ग सुनना है आज, कोई तो सुना दो, कोई तो भेज दो, मैं ऐड कर दूंगा। समय एक्सरे भेजा है, बड़ा वाला आज का है और छोटा वाला 1 महीने बाद का है। कोई प्रोग्रेस दिख रहा है? अभी देख लेते हैं अमित कुमार जी। एक एक्सरे ये है अमित कुमार जी, आपका ही एक्सरे है ये, मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ इसको क्लियर कर दें। सर मेरा फीमर फ्रैक्चर है और पैर पतला हो गया है। अमित भाई देखिए, आपका पैर पतला हो गया है, आपको फीमर फ्रैक्चर है, कोई इशू की बात नहीं है। फीमर फ्रैक्चर आपका एक्सरे यही है मुझे लगता है। पैर हम सबका पतला हो जाता है यार, एक तो हमारा ब्लड बहुत निकलता है, बहुत सारे रीज़न रहते हैं पैर पतला होने में। घबराइए मत, मसल्स हमारी स्ट्रांग नहीं है, मसल्स हमारी वीक हो जाती है, घबराओ नहीं उससे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रेवो ने बस बैटिंग की, अच्छा ओके। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद फिर जीत है, प्लीज़ ये सॉन्ग गाओ ना भाई। कोई भी गा के भेज दो, मैं पक्का चला दूंगा भाई। अब बस पीछे से ट्यून मत डालना वरना वो आ जाती है इसमें स्ट्राइक, तो पक्का 100% चला दूंगा। आप मुझे बस वीडियो से सेंड कर दो,
ये मेरा नहीं है, ये दूसरे अमित भाई का, एक्चुअली रानी जी नाम से भी अमित भाई हैं, ये उनका एक्सरे है। अमित जी आपका एक्सरे भी ऐड करता हूँ, बस 2 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा। 70% बोन जुड़ गई है, जितना उठना जीना उतरना चढ़ना कितना कर सकते हैं जेडी डिस भाई, जीना उतरना चढ़ना, आप अगर 70% बोन आपकी हील हो चुकी है तो आपके लिए एक्सरसाइज की तरह काम करेगा। जितना चाहो उतना करो, जितना करोगे उतना अच्छा होगा, आपके पैर की एक्सरसाइज हो जाएगी, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी ना ऊपर पैर रखने वाली, वो एक्सरसाइज हो जाएगी, तो आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं सुना रहा हूँ, ओके ठीक है, सुना दे रेहान सर, मेरा भी फ्रैक्चर है और एक पैर पतला हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सबका होता है अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं। आज लाइव खत्म होने से पहले प्लीज़ कोई तो सॉन्ग सुना दो, गायकवाड़ की बैटिंग इज़ ऑल्सो वेल, हाँ ओके ठीक है, गायकवाड़ की बैटिंग भी अच्छी थी। चलिए मैं फटाफट से एक एक्सरे ऐड करता हूँ, मैंने भेजा है रूप भाई का एक्सरे हो गया है, अमित कुमार सिंह जी ने एक्सरे भेजा है, एक्चुअली अमित कुमार सिंह जी का एक्सरे भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। प्लीज़ 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 भाई, अरे क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक डे बना लिया आज, अच्छा नहीं हो गया, सुना तो दिया, सुना दिया उसने, देखा नहीं, सुना नहीं आपने। सर मेरा भी प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर था, लोकेश भाई का भी प्रॉक्सिमल टीबिया था, मैंने उनका एक्सरे दिखाया भी था, ये रहा प्रॉक्सिमल टीबिया। प्रॉक्सिमल टीबिया के केस में मैंने बार बार बोला है कि इसमें फ्रैक्चर में अपर टीबिया फ्रैक्चर, प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर में नी बेंडिंग की इशू आता है, वो अगर नहीं आ रहा तो बेस्ट है। ओके भाई लोग लाइक तो आप लोग कर ही रहे हैं, और लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक, और मैं फटाफट तब तक इनके एक्सरे को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। रेहान जी क्या बोला, रेहान सर जी रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग भेजो, रेहान सर जी बोल रहे हैं, रेहान सर जी रिकॉर्डिंग भेजो बोल रहे हैं वो। ओके तो थोड़ा सा खिसक गया था, पता नहीं चला, अभी वो लाइव में देखा तब पता चला कि वो खिसक गया है। ये रहा हमारे अमित जी का एक्सरे, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक्सरे है अमित भाई का, और अमित भाई को प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर का ही केस है, अपर टीबिया फ्रैक्चर, एक सेकंड, मिडिल में कह सकते हैं इसको, अपर भी है मिडिल, अभी आपको कोई नी बेंडिंग में दिक्कत तो नहीं अमित भाई, आप बोल रहे हो छोटा वाला जो है ये स्टार्टिंग का था, ओके ये आपका शुरू का एक्सरे था, आपने क्या बोला था छोटा वाला ना, चेक व्हाट्सएप अभी चेक करता हूँ, सब डांस कर रहे हैं हमको छोड़ के, कोई बात नहीं दीपक टेंशन ना ले यार उसको, मैं अपनी माँ बाप की इकलौता वारिश हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ, दुख मत ले भाई अमित भाई, सब होता रहता है यार, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और अपने माँ बाप का नाम आपको रोशन करना है, इस टाइम पे माँ बाप ने आपका समाज साथ दिया होगा, कल भी हमने इस बारे में बात करी थी, तो प्लीज़ यार उनको कभी भी होपलेस मत कर, उनको कभी भी मतलब निराश मत करना यार, प्लीज़ प्लीज़ है ना। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, रॉकी भाई इन्होंने क्या बोला था मुझे, अमित भाई ने सर एक्सरे भेजा है, बड़ा वाला आज का है, छोटा वाला एक महीने पहले का, तो छोटा वाला एक्सरे ये रहा, यहाँ तो बहुत दिक्कत दिख रहा है और यहाँ तो मुझे लगता है कि गैप फिल हो रहा है, एपी व्यू में दिखता है कि गैप फिल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें बोन ग्राफ्टिंग हुआ था और बोन ग्राफ्टिंग के बाद का एक्सरे लग रहा है, और काफ़ी अच्छा बोन ग्राफ्टिंग हुआ है, अब मुझे नहीं पता कैसा है, और काफ़ी फ़र्क है भाई आप में, और बस डाइट अच्छी लेते रहिए, यही चीज़ है, नी नहीं मतलब, ओके आई विल ट्राई, ओके रेहान भाई, आज मैं हरिद्वार गंगा स्नान करने आया हूँ और सबके लिए मन्नत मांगता हूँ, क्या बात है सुधु भाई, हरिद्वार में हैं आप, हरिद्वार में गंगा स्नान करिए और सबके लिए कुछ ना कुछ मांगिए, सबकी हम सब लोग ठीक हो जाएं, नहीं नहीं रानी जी मेरे को भाई बना, रानी जी मेरे को भाई बना दो हो जाएंगी, रानी जी अमित भाई हैं भाई, रानी जी के नाम से जो बंदा है वो अमित भाई हैं, अमित भाई का एक्सरे मैंने भी आपको दिखाया था, राम राम गुरु जी, राम 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 गुरु जी, हाय दीपक दीपी दीप्ति मैम कैसे हो आप, सॉरी बड़े दिनों बाद आप आए, मुझे लग रहा है आपके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स की टेंशन मत लो, बहुत अच्छी तरह एग्ज़ाम्स हो जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी ऑप्शनल, पहली बार ऐसे एग्ज़ाम्स दिए, मज़ा आ रहा है। अमित भाई मेरा एक्सरे भी सेम है, सेम फ्रैक्चर है अमित जी का, शिवकेश्वर जी का और अमित जी का सेम फ्रैक्चर है, MCB की जगह ELCB लगाओ वायरिंग सेफ्टी के लिए, वायरिंग कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ओके MCB की जगह ELCB लगाना चाहिए, देखिए हमारे इलेक्ट्रीशियन हमारे टेक्नीशियन भाई बोल रहे हैं कि MCB की जगह हमेशा ELCB लगाओ, ELCB के बारे में पता ही नहीं है अभी, कोई नहीं सुना रहा सॉन्ग, मैं जारी भाई सो सैड सॉन्ग नहीं सुना रहा, वो भेज रहा है शायद रेहान गरिमा जी, आप ध्यान रखिए अपना, डोंट हियर योर पेरेंट्स बिकॉज दे डोंट हर्ट योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर योर लाइफ बिगेस्ट पार्ट, हाँ वो आपके लाइफ के बिगेस्ट पार्ट हैं, आपकी लाइफ हैं एक्चुअली वो, तो प्लीज़ नहीं बोन ग्राफ्टिंग नहीं हुआ है, बोन ग्राफ्टिंग नहीं हुआ है लेकिन आपका बोन बहुत अच्छी तरह से हील हो रहा है, नी नहीं मुड़ता है, वो दिक्कत वही है कि
अपर टीबिया फ्रैक्चर में जब दो जो दो स्क्रू खुसे हुए ना ऊपर, उसके कारण सबको दिक्कत होती है, ये नी बेंडिंग की इशू मत लीजिए, हो जाएगा वो, बस करते रहिए एक्सरसाइज। आपका चल रहे हैं क्या अभी भी? पंकज सर के भी ख़त्म भी हो गए? हाँ उनका ख़त्म हो गया, मेरे चल रहे हैं, मेरा कल भी है परसों भी है और मैं लाइव बैठा हूँ देखो, और यही चल रहा है हमारा एग्ज़ाम। मज़ा आ रहा है एग्ज़ाम देने में, लेकिन कोई नहीं आया दूध ख़त्म करने के लिए, मैं ही कर रहा हूँ अकेले। विशाल सर जी, सर वो एक्सरे बताओ जो आपका भेजा था। विशाल जी, मैंने सबसे पहले आपका एक्सरे ही दिखाया, क्योंकि सब लोग बोलते हैं बोन ग्राफ्टिंग के बाद का एक्सरे, बोन ग्राफ्टिंग के बाद का, तो ये हमारे विशाल भाई का एक्सरे है, सॉरी बोन ग्राफ्टिंग नहीं, रॉड रिमूव के बाद का, तो रॉड रिमूव के बाद का एक्सरे है उनका, विशाल भाई का। ये मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था, आप देखोगे लाइव को दोबारा भी देख सकते हो। हाय नितिन भैया, नमस्कार। नमस्कार सुरेश भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? सर एक्सरे भेजा है आपको विशाल जी, आपने एक्सरे भेजा था, मैंने दिखा दिया आपको आपका एक्सरे। जब लाइव में आपका आना तो ज़रूरी है, वरना रात पूरी कैसे होगी? लाइव में आपका आना तो ज़रूरी, हाँ ये बात है, वरना नींद कैसे आएगी हमें अगर हम लाइव नहीं आएंगे तो, और लाइव आएंगे तो कल का एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। हेलो भाई कैसे हो? मैं बढ़िया, रवि जी आप बताएं आप कैसे हैं। प्रतीक शर्मा जी, हेलो भाई, हेलो प्रतीक जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? मुझे लगता है कि सब अच्छे होंगे। रवि कुमार जी ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया लिख के, क्यों? हेलो भाई कैसे, मैं ठीक हूँ रवि भाई, लेकिन आपने मैसेज डिलीट क्यों किया? हेलो भाई कैसे हो, दोबारा भेज दिया, मैं ठीक हूँ रवि भाई, आप बताइए आप कैसे हैं। देखिए आप मैसेज डिलीट भी कर लोगे, मेरी स्क्रीन से वो डिलीट नहीं होता, ध्यान रखिए, तो वो मुझे मिल जाएगा। गुरु जी बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकल सकता है। लड़का मैं तो लोहे से भी पानी, लड़का मैं तो लोहे से ही पानी निकाल सकता हूँ। गुरु जी कैसे, लड़का हैंडपम्प से। आज भाई जोक मारने के मूड में है। स्टिक कितने दिन में छोड़ देते हैं? सोनू जी देखिए, स्टिक छोड़ना आपकी बॉडी पे अलाउ करता है, आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको। अगर आपको लगता है कि स्टिक आप छोड़ सकते हैं तो ज़रूर छोड़ दीजिए। ज़रा सा भी दिक्कत आता है, लिंपिंग आता है, लगता है गिर जाऊँगा तो नहीं छोड़ना है, वो आपके पैर की एक्सरसाइज पे, आपके वॉक पे निर्भर करता है कि आप कितने देर में छोड़ते हो। वैसे स्टिक लेने के 15 दिन के अंदर छूट जाना चाहिए एक नॉर्मल वे में, ज़्यादा दिन भी चलता है तो इशू नहीं है। भाई ठीक हूँ, और आप सुनाओ? रवि जी मैं भी बढ़िया हूँ। राम राम भाई, राम राम तपस जी, कैसे हैं आप? टॉपर हैं आप, टॉप आप लोग तो, आपको क्या, बस जाओ और पेपर में आग लगा कर आ जाओ, क्या है? ठीक है ठीक है, सही बोल रहे हो, आग लगा के आते हैं हम लोग, इतनी चीटिंग करवा रहे हैं ना, इतनी चीटिंग कर रहे हैं ना, मत पूछो, वो परेशान है एग्ज़ाम सर वहाँ से, पता क्या तरीका सुना है भाई, कई बच्चे भी होंगे यहाँ पे तो सुन रहे होंगे, क्या होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, मास्क लगा रखे, एक दो बार वो टोकने के आया, मैंने बोला सब लोग मास्क पहन लो, सब लोगों ने मास्क पहन लिया, लिटरली ये चीज़ हुई है क्लास में, सबने मास्क पहन लिया और हम पेपर में लिख रहे हैं ऐसे, और बोले पहले का क्या है ए, दूसरे का क्या है बी, ऐसे करके हम लोग बात करते रहे, और पूरा एग्ज़ाम हम लोगों ने 40 क्वेश्चन पहले ही कर लिए, उसके बाद हमने निशान लगाए। जोक दीपक भाई, भाई आपको कौन सा एग्ज़ाम चल रहे हैं? मेरे MSCIT के एग्ज़ाम चल रहे हैं एक्चुअली प्रतीक भाई, और मस्ती से एग्ज़ाम दे रहे, जैसे मस्ती से लाइव में आता हूँ वैसे मस्ती से एग्ज़ाम दे रहे हैं हम लोग, टचवुड सब कुछ अच्छा रहे, हो जाए क्लियर। सही में दीप्ति ऐसे ही कर रहा है। हेलो भाई, हेलो वसीम भाई, कैसे हैं आप? तो ये हमारे विशाल भाई का एक्सरे है, विशाल भाई का दूसरा एक्सरे ये था पहले जब रॉड लगी हुई थी, और जब रॉड रिमूव हो गई तो ये ऐसा हो गया कुछ, तो इनका बोन 2.5 साल के बाद का एक्सरे है एक्चुअली शायद ये। फाइनली बाइक राइड नहीं हो रहा है, नहीं क्या बोल रहे हैं, कैन बोन्स मूव इवन आफ्टर इंसर्टिंग रॉड? बोन मूव्स नहीं, ऐसा नहीं होता किरण भाई, क्योंकि बोन से तो पूरा सपोर्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसा नहीं होता किरण भाई, नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है रेहान भाई? फाइनल रोहित गोस्वामी, फाइनल बाइक राइड करता हूँ अब, महादेव की कृपा है, सब पॉजिटिव हमेशा रहो, 8 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा बस। रोहित गोस्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखिए वो बाइक राइड भी कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, महादेव की कृपा है, महादेव तो हम सबके साथ हैं और वो हमेशा कृपा बनाए रखेंगे, और हम तो चाहते हैं कि ऐसे सब लोग करते हैं, लेकिन बाइक राइड करते समय प्लीज़ सेफ्टी का ध्यान रखें, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हेलो भैया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ राधे भैया, आप बताएं आप कैसे हैं? सर किसी का फीमर फ्रैक्चर की फ़ोटो है क्या जो जुड़ा हुआ है? विशाल जी आपका तो है ना, आपका ही तो फ्रैक्चर है ये, और आपका फीमर तो आपको दिख रहा है पूरा जुड़ा हुआ विशाल भाई, और आपका अच्छा खासा जुड़ा हुआ है, कोई इशू की बात इसमें है नहीं, और आपका रॉड भी रिमूव हो गया है जो कि एक अच्छी बात है। टीचर है, देखो सब इनको, टीचर है ये, देखो सब इनको, देख लो क्या होता है, सच बात तो सच ही है। फाइनल बाइक राइड कर रहा हूँ, ओके, कैन बोन्स मूव? नहीं, बोन नहीं मूव करती। सर किसी का फीमर फ्रैक्चर का फोटो है क्या? अगर किसी का है तो भेज दीजिए। नितिन भाई 1 मंथ हो गया है स्टिक से चलते चलते, स्टिक नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्या करूँ? सुरेश भाई अगर आप स्टिक नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पैर में स्ट्रेंथिंग नहीं है, प्लीज़ चलने के साथ वॉक भी करिए, वॉक के साथ एक्सरसाइज भी करिए, SLR करिए, SLR करने से आपके बोन में स्ट्रेंथ आएगी, आपके घुटने में स्ट्रेंथ आएगी, तभी आप छोड़ पाओगे। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो इसका मतलब आपका पैर कमज़ोर है अभी। रोहित भाई सब भाइयों को एक चीज़ बोलाऊंगा, सब कुछ होगा, बस एक सब्र करो,
सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब्र करो सब कुछ होगा, और सब्र का फल मीठा होता है, तो होगा ही होगा। घर में रह कर तो दिन रात पता नहीं चल रहा, घर में रहकर तो दिन रात पता नहीं चल रहा। दिन रात मुझे लगता था कि घर में रह के ज़्यादा पता चलता था, जब हम जॉब करते हैं कहीं भी काम करते हैं तो पता नहीं चलता भाई क्या क्या हो रहा है, टाइम ही नहीं मिलता। सुरेश भाई, पीसी स्टूडियो, सुरेश इट्स ऑल अबाउट योर डियरनेस। सही बात है सुरेश भाई। हाय पीसी स्टूडियो सर, कैसे हैं सर आप? मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपकी तबीयत भी ठीक होगी। नितिन भाई, एक मंथ हो गया है, ओके सब कुछ बढ़िया, ओके। लड़की, मैं पापा की परी हूँ, लड़का, हाँ मैं भी पापा का परा हूँ। लड़का परा मतलब लड़का, पापा जब मुझे देखते हैं किस्मत फूटी है, सॉरी क्या लिखा है, पारा गर्म हो जाता है। अच्छा, हेलो भैया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ राधे भाई, आप बताएं। रवि भाई, ना दिल ना जान चाहिए, बस वो इंसान चाहिए जो हाल दिल समझ सके। क्या बात है रवि भाई, और हाल दिल तो हम जितने लोग यहाँ, 32 लोग अगर यहाँ पे हैं, तो 32 लोग के 32 लोग एक दूसरे का हाल दिल समझ सकते हैं, क्योंकि सब पेन से गुजरे हैं, इसी पेन से, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं। हेलो भैया कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सुरेश, ओके। लोकेश भाई, नितिन भाई मेरा प्रॉक्सिमेटी फेबुला दोनों फ्रैक्चर हैं, 4 मंथ हो गया है, नॉर्मल लाइफ कितने टाइम बाद, लाइफ में कब तक आ पाएंगे? हरिराम जी, देखिए आपका प्रॉक्सिमल टीबिया फिबुला फ्रैक्चर है, प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर में थोड़ा टाइम लगता है नी बेंडिंग के कारण। टेंशन मत लीजिए, नी बेंडिंग करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ज़रूर ज़रूर आपका पैर वापस नॉर्मल हो जाएगा। 4 मंथ आपको ऑलरेडी हो चुके हैं जैसा कि आप बोल रहे हो, और 4 मंथ में हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ आपकी बेंडिंग के कारण। बेंडिंग करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक्सरसाइज की वीडियो आप पीसी सर के वीडियो में देख सकते हैं, उनके चैनल में देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखी हैं अपनी, एक्सप्लेन कर रखी हैं सारी एक्सरसाइजेस, ज़रूर उसको ट्राई कर सकते हैं आप, ओके। कहाँ गया मैसेज? खिड़की खुली, जुल्फें गिरी, सामने हुस्न का दीदार था, फिर क्या, फिर जुल्फें उठी, फिर जुल्फें उठी, फिर क्या हुआ, जुल्फें हटी, किस्मत फूटी, वो नया नया हुआ सदार था। क्या यार, घर में रहकर दिन रात का बच्चा नहीं चलता। SLR क्या होता है सुरेश जी? SLR होता है स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज। आप चेयर में बैठ के अपने पैर को 90 डिग्री सीधा करेंगे तो वो भी SLR है। अगर आप लेट के अपने पैर को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो SLR। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तसवर आजाद जी, हाय सर। हाय तसवर जी, सर मत बोलो भाई, ओके ब्रो। ही इज़ डूइंग ऑल एक्सरसाइज एंड ही जस्ट कम आउट ऑफ हिज फेयर। ब्रो ही इज़ डूइंग ऑल एक्सरसाइजेज एंड ही जस्ट कम आउट ऑफ हिज फेयर। सच बात है, अगर वो एक्सरसाइज करेंगे पक्का आ जाएंगे अपने, जो भी डर है ना उस सबसे बाहर आ जाएंगे। तसवर आजाद जी, हाय सर। हाय तसवर जी, हेलो भाई, हेलो चरणजीत जी, कैसे हैं आप? यस भाई, नाउ आई एम वेल बाय गॉड एंड टच वुड। टच वुड भाई, बिल्कुल सही हैं आप, अच्छी बात है। लौंडे को प्यार चाहिए, लौंडे को प्यार चाहिए, ओके भाई। स्वेलिंग कब तक चली जाएगी वसीम भाई? स्वेलिंग जाने में टाइम लग सकता है, इशू नहीं है स्वेलिंग का, क्योंकि स्वेलिंग आपके वॉक के साथ, जैसे आप जब बहुत ज़्यादा वॉक करते हो आप, स्वेलिंग आती है कुछ अगले दिन पे, वो स्वेलिंग धीरे 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 कम होती रहती है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि अपने पैर को चलाते रहना हमेशा, उससे आपकी स्वेलिंग जल्दी जल्दी जाएगी। डॉक्टर कहता है कि 1.5 साल लग जाता है, मैं ऐसा कहता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर सारी स्वेलिंग खत्म हो जानी चाहिए, है ना। और हर फ्रैक्चर का अलग अलग होता है एक्चुअली। आज से रनिंग स्टार्ट किया है, क्या बात है सर। हाँ विवेक भाई, यही वन्नारू, येला वन्नारू। सुरेश भाई कुछ बोल रहे हैं, आज से रनिंग स्टार्ट कर दी सर, बहुत बढ़िया सर। पीसी सर प्लीज़ अपनी वीडियो अपलोड करिएगा ताकि हम लोगों को भी हौसला मिले कि हम भी जल्दी जल्दी रनिंग कर पाएँ। सर ऑल द बेस्ट। सर मेरी ज़िंदगी में एक तमन्ना है, सर मेरी ज़िंदगी में एक तमन्ना था कि आर्मी का नौकरी नहीं मिलेगा तो मैं मर ही जाऊँगा। सर मेरी ज़िंदगी में एक ही तमन्ना था कि आर्मी का नौकरी नहीं मिलेगा तो मैं मर ही जाऊँगा। रानी जी, यानी कि अमित भाई, आपको अपने पर भरोसा है ना? आपको अगर अपने पर भरोसा है तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल नहीं सोचो कि नहीं होगा सब कुछ। आपका जो फ्रैक्चर है वो स्पाइरल फ्रैक्चर है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप बस अपने पे भरोसा रखिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हासिल हो सकता है, हार नहीं मानना बस। और मुझे लगता नहीं है, अगर आपका ये तमन्ना है तो आप हार नहीं मानेंगे, मुझे लगता है। सर आपके पास है रिमूवल, आपके पास है रिमूव्ड किसी का एक्सरे तो प्लीज़ उसका प्लीज़ बताएं। विशाल जी, एक्चुअली मेरे पास 1-2 एक्सरे आए थे, मैं मिल नहीं रहा, आपका एक्सरे तो दिखा, दूसरा एक्सरे मेरे को मिला नहीं। अगर होगा तो मैं आपको पक्का व्हाट्सएप पर्सनली कर दूंगा। हाय विशाल पाटवा जी, कैसे हैं आप? क्या मैं अभी आर्मी की दौड़ कर सकता हूँ? अभी नहीं कर सकते रानी जी, अभी नहीं कर सकते अमित भाई, प्लीज़ थोड़ा टाइम वेट करो, फिर उसके बाद आप आराम से कर सकते हो, इशू नहीं होगा। सुरेश सर आई एम ऑल गुड, पीसी सर कह रहे हैं। भाई मेरा नी के पास पेन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्क्रू चुभता है। अगर आपको बहुत पेन हो रहा है चरणजीत जी, तो डॉक्टर के पास जाइए, चुभना अच्छा नहीं है, उससे इन्फेक्शन का डर रहता है अगर बहुत चुभना हो रहा है। हल्का फुल्का चुभ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना चुभता है भाई वो,
सर मेरी ज़िंदगी में ओके लेकिन सर किस्मत ऐसा ठोकर मारा कि मैम तो मर ही गया। कुछ नहीं मरा भाई अमित भाई, कुछ नहीं हुआ आपके साथ। आप क्यों इतना होपलेस हो रहे हो? हम नहीं चाहते कि आप होपलेस हो। आपको इंडियन आर्मी में जाना है ना, और वहाँ अगर आप ऐसे होपलेस होंगे तो क्या होगा ना? कुछ नहीं होना भाई, ये सब होता रहता है, लाइफ है, छोटी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। बिल्कुल कर सकेंगे आप। सुरेश भाई, सुरेश हाय, एक्सरे शेयर किया है आपने, गोप्रो क्या आपने, गो पूरा हील हो चुका है ना। सुरेश जी का कौन सा एक्सरे था किरण भाई? मिट्टू, एक लड़की पसंद आई और बोला मिट्टू आई लव यू, लड़की सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मिट्टू कोई बात नहीं, मुझे सौतेला बॉयफ्रेंड बना लो क्या? आई एम सॉरी, मैं सो रहा क्या, ट्राई कर रही, सोने का ट्राई कर रही। ओके ओके, टेक केयर सर, टेक केयर गरिमा, ध्यान रखिए अपना, एक्सरसाइज करिए, ओ सॉरी आराम करिए आप, आपको आराम करना है, आपको एक्सरसाइज ही करनी है। श्योर डेफिनेटली आई विल गिव यू ऑल टिप्स, थैंक यू सो मच सर, पीसी स्टूडियो सर। विवेक भाई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करिए, चेंदाई चेन चैंदे चैंदे विवेक भाई प्लीज़, हाँ प्लीज़ भेजिए अपनी लेटेस्ट वीडियो। विवेक भाई यानी कि हमारे सचान भाई के लिए बोल रहे हैं सुरेश भाई। भाई मैसेज रीड करो चरणजीत जी, आपको मैसेज रीड नहीं किया क्या? मैंने छोड़ गया भाई, मेरा नी के पास पेन होता है, मैंने बता दिया आपका नी के पास पेन का इशू, मैसेज छूट गया होगा भाई। ये वाला वनरू मीन्स हाउ आर यू इन तेलुगु, अच्छा तेलुगु में है, ओके ओके ओके। ये ना एक मिनट, आपने क्या लिखा था एक बार मैं पढ़ूँ उसको दोबारा से, तेलुगु में क्या कहते हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ना कहाँ गए कहाँ गए? सुरेश भाई एम ऑल गुड, ओके भाई। येला येला यू नेहरू मीन्स हाउ आर यू, येला उन नेहरू, ओके क्या बोलते हैं उसको? एक मुझे भी एक वर्ड आता था, मैं भूल गया उसको। नन्ना हेसरू, नन्ना हेसरू, नन्ना हेसरू भी बोलते हैं ना, नन्ना हेसरू नितिन शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, तेलुगु में बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं भाई ये। ओके ठीक है, आई विल सेंड माय इन जीमेल, ठीक है किरण जी आप भेज दीजिए। आपकी लाइफ में कभी कोई गम हो, खुशी इतनी मिले, आंखें ना नम हो, हम खुदा से दुआ करते हैं आपको एक सुंदर सी बीवी मिले जिसका वेट 185 cc का कम ना हो। क्या है भाई? सर आपका टिबिया, आपका टिबिया का है? किसी के टिबिया का नहीं यार, मेरे पास पहला ही एक्सरे आया रॉड रिमूव का, आप ही का था, अगर होगा तो मैं ज़रूर शेयर करता, आई एम सॉरी अभी है नहीं। यस तेलुगु, ओके। गरिमा जी गुड नाइट, गुड नाइट। गीता जी नींद नहीं आ रही, बोर हो गई हूँ आज मैं, आज वो बोर हो गई हमारी लाइफ में आके, कोई बात नहीं, ज़रा मुस्कुराइए देखे दुनिया हंसती नज़र आएगी। सही बात है रवि भाई, बिल्कुल सही। ओके कन्नड़ भाई, ओके कन्नड़ भाई, ओ कन्नड़ भाई, कन्नड़ शिव शिवाकेश्वर मराठी, ओके क्यों गरिमा जी, दैट्स कन्नड़, हाँ ओके कन्नड़ है वो। नन्ना हेसरू, नन्ना हेसरू तेल क्या, एक वो भी है, एक दो सॉन्ग्स एक्चुअली कन्नड़ किए थे वहाँ स्कूल में ना, करवाए थे बच्चों को कन्नड़ सॉन्ग्स, क्योंकि हमारा स्कूल में मिला था वो कन्नड़ लैंग्वेज वाला, तो तब कुछ कुछ गाने भी सुने थे, याद भी किए थे उस समय। एसेंड इन जी मेल आपने भेज दिया है, अभी मेरे को जी मेल से थोड़ा टाइम लग जाता डाउनलोड करने में, देखता हूँ भाई। सुबह चलता हूँ तो पंजे में दर्द होता है, रूप भाई आ गए हैं, रूप भाई का वीडियो मैंने अभी आपका एक्सरे भी दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ, दर्द होता है और एंकल में थोड़ा दर्द होता है भाई, जब सुबह चलता हूँ तो पंजे में दर्द होता है और एंकल में भी थोड़ा दर्द होता है, सबके होता है, स्टिफनेस के कारण होता है। स्टिफनेस अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप सुबह उठने उठने के बाद एक्सरसाइज कर लिया करो थोड़ा, उसके बाद चला करो। पता नहीं कुछ अजीब लग रहा मुझे कि कोई सॉन्ग सुना दो, कोई तो सॉन्ग सुना दो। गरिमा जी मैं हेडफोन डालो, अच्छा सॉन्ग आ जाए सुनाओ, नींद आ जाएगी। सही बात है, सॉन्ग सुनोगे तो नींद आ जाएगी। गीता जी प्लीज़ एक सॉन्ग सुना दो मुझे। हेलो ब्रो हाउ आर यू? अनिल भाई आई एम गुड, हाउ आर यू? मुझे लगता है कि आप भी ठीक होंगे। मेरा वीडियो देखा क्या दीपक भाई? अभी तक देखा नहीं, देख लेता हूँ, रुक जाए एक सेकेंड, यहीं पे है क्या? पढ़ा पढ़ा कहाँ यार, लाइव कर रहे हैं हम, तेरा वीडियो में डांस हो रहा है, तेरा वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। सॉरी लगता है डाटा फिनिश हो गया, जल्दी माफ़ करना लेना ब्रो, मेरा जगह माफ़ लेना ब्रो, हर बार मेरा डाटा स्ट्रीमिंग पूरी होने से पहले ही ख़त्म है। अरे इट्स ओके रेहान भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? कन्नड़ नहीं, कन्नड़ा नहीं, कन्नड़ नहीं, कन्नाडा है ही है, कन्नड़ नहीं, कन्नड़ा है, कन्नड़ नहीं, मैं समझा नहीं किरण जी क्या बोल रहे हो। मेरा वीडियो देखा? अभी देखा मैं। गरिमा जी लाला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, फ़ोन में सॉन्ग सुन लो गरिमा। नहीं दीपक जी, खुद से रिकॉर्ड किया हुआ सॉन्ग सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आप सुना दो प्लीज़ एक दो सॉन्ग दीपक सुना दो। पेन मैं सॉन्ग सुनने का दिल नहीं करता,
पेन में सॉन्ग सुनने का दिल नहीं करता, गीता जी का। ओके, स्पोर्ट शूज़ पहनकर चलने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब चप्पल पहनकर चलता हूँ तो पैर थोड़ा तिरछा लगता है। और कब तक स्पीड से चल सकूँगा, मतलब नॉर्मल वॉकिंग के लिए। सर मैं बार बार यही बोलता हूँ, सबको यही बोलता हूँ कि एक्सरसाइज इज़ मस्ट। अगर आपको चलना है नॉर्मल वही चीज़ में आना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज करने से आपका पैर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, देख लीजिएगा। काफ मसल की एक्सरसाइज लेट कर भी होती है ना, काफ मसल की एक्सरसाइज हाँ बिल्कुल हो सकती है, काफ मसल की एक्सरसाइज वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको कल शेयर भी की थी कुछ एक्सरसाइज, और हमारे पीसी स्टूडियो के सर के चैनल में तो है ही, आप जाके देख सकते हैं। हरीश भाई मुझे लगता है कि आप लोग देखते भी होंगे। स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर चलता हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सरसाइज करिए सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जस्ट कीप अ टॉवल रोल बिसाइड यू वंस यू वेक अप एंड डू एंकल एक्सरसाइज बिफोर यू केम आउट ऑफ बेड, आई एम डैम श्योर इट विल फील बेटर। देखिए एक्सरसाइज ही करनी है आपको, आप टावल लेके कर सकते हैं, और आप ना जब आप एंकल की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच पीसी स्टूडियो भाई। बहुत सारे मैसेज आ गए, मैं मैसेज नहीं रीड कर पा रहा हूँ, एकदम से बढ़ गया ऊपर को। ओके, मुझे सबसे गुस्सा है, मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। कहीं जाएगा तू, यही रहेगा भाई। आर्मी में मुझे भी जाना था पर किस्मत ख़राब है, अब तो बिल्कुल दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ। अमित प्रजापति जी देखिए आप, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, सब कुछ कर पाएंगे यार आप, बस अपने पे भरोसा रखिए और साथ में एक्सरसाइज करते रहिए। अगर आप पे अपने पे भरोसा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वापस से रनिंग पे आएंगे आप, हम सब आ रहे हैं। हमारे पीसी स्टूडियो भाई बोल रहे हैं, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी ज़रूर कर पाएंगे यार। रनिंग स्टार्ट कर दी फिर सब कुछ नॉर्मल होता जाता है लाइफ में, कभी भी एक जैसा टाइम नहीं रहता, अच्छा भी नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं सुनाऊंगा तो कान से खून आ जाएगा गरिमा जी आपके। क्या यार दीपक, हाँ पर गीता जी आप ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो आपको पसंद हो, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करो, पेन ज़्यादा नहीं लगेगा। सही बात है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखिए। थोड़ी आवाज़ भारी है मेरी इसलिए मैं नहीं भेज सकता, भेज दो रेहान भाई, ज़रूरी है, आप भेज सकते हैं। हाय भैया, हाय मैसी भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप, कैसी रनिंग कर रहे हैं भाई? मैसी भाई भी रनिंग कर रहे हैं, देखो मैसी भाई भी नॉर्मल हो चुके हैं। कोई मत सुनाओ मुझे, सुनना नहीं सुनना सॉन्ग, बहुत नाराज़ हो रही है गरिमा और ऐसा वाला मुंह बना रही है, इट्स ओके। तो भाई जल्दी जल्दी सुना दो अगर कोई उसको नाराज़ नहीं करना चाहता तो। दीपक भाई, उत्तम गुरंग जी, हेलो नितिन भाई, मेरे वीडियो भेजा है देखना, ठीक है उत्तम जी, अभी ऐड करता हूँ। गरिमा गुस्सा क्यों कर रहे हो, गरिमा जी गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्यों गुर्रा गुस्सा कर रहे हो, गीता जी बोल रही हैं। हेलो गीता जी कैसे हो, पीसी स्टूडियो भाई पूछ रहे हैं। दीपक अगर घर छोड़ के चला जाएगा तो फ्री फायर कैसे खेलेगा, बाहर जाके खेल लेगा। हाय अमन भाई आ गए हमारे, अमन भाई कैसे हैं अमन भाई। हेलो एवरीवन, हेलो अली भाई, क्या हाल चाल। पक्का गीता जी जल्दी ठीक हो जाओ, डोंट बी सैड, ऑलवेज बी हैप्पी गीता जी, लाइफ बहुत बड़ी है। सही बात है भाई, साइकिलिंग कर पाया तो जल्दी चल पाऊंगा क्या? साइकिलिंग करने के लिए डॉक्टर ने अलाउ किया है, ज़रूर कर सकते हैं, स्टिफनेस दूर होता है। और ऐसा जल्दी चलने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, अपने आपके पैर की स्ट्रेंथ आ जाएगी तो आप जल्दी चल पाएंगे ऑब्वियसली। गरिमा जी मुझे तो ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मैं हमेशा बाहर रहती हूँ, वो हमेशा बाहर रहती हैं, उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, वो करती क्या है किसी को नहीं पता। अमन भाई फ़ोन और चार्जर लेके जाऊंगा, फ़ोन और चार्जर लेके जाएगा, थैंक्स अ लॉट गरिमा जी। चरणजीत भाई आप अभी लाइव हो, चरणजीत जी अभी यहाँ हैं। गरिमा जी ठीक होने के बाद दोनों ट्रैवल करेंगे साथ में, ठीक हो गया गीता जी ने बोल दिया। हाय दीपक भाई, आपकी बात सुनता हूँ तो इल क्या बोल रहे हो, कल वीडियो भी लगाऊंगा पक्का। ओके डन, ठीक है। नेट का इशू है, मुझे नहीं पता कि नेट चलेगा कि नहीं चलेगा। नेट चल रहा है क्या भाई, आप लोगों को दिख रहा है? अगर अब मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, नेट का भी अभी हमारे पास मैसेज, सॉरी एंड थैंक्स इन नो रिलेशनशिप। गीता जी गरिमा बोल रही हैं, ऑफ कोर्स यस गीता जी, आप जल्दी ठीक हो जाओगे एंड उसके बाद हम दोनों ट्रैवल करेंगे, डन। चलिए मुझे नहीं पता मेरा नेट कैसा चल रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है। स्टूडियो जी मैं ठीक हूँ, ओके कल वीडियो लगाऊंगा, ओके ये हूँ।
बहुत हेल्प की। लव यू विनय भाई, और सब कुछ नॉर्मल हो रहा है लाइफ में तो अच्छी बात है। सॉरी गरिमा जी, क्योंकि सब कुछ करने के बाद नेट का इशू आ रहा है। सर क्या हुआ, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता कि बफरिंग अभी भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने कोशिश तो करी है कि थोड़ा नेट ठीक चले। आई एम सॉरी अगर नहीं चल रहा तो, है ना? अगर नेट में कोई इशू आ रहा है तो आप लोग रिफ़्रेश कर लो एक बार, तो शायद सही चल जाएगा। मुझे नहीं पता अभी क्या हिसाब है। अभी कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। हेलो 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 हेलो। 21 लोग भी चले गए, उनको लगा कि भाई चला गया। मैं नहीं गया, लेकिन मैं यही हूँ। अभी चल रहा है सही। हेलो हेलो, सही चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी सही चल रहा है। रियल भाई अब ठीक है? हाँ, वो कुछ इशू हो गया था बीच में तो चलते चलते बंद हो गया। नितिन जी आपकी वीडियो डायरेक्ट 720p से 144 में आ रही है। हाँ अब ठीक आ जाएगी। 720p पे ठीक थी वो, कुछ इशू आ गया एकदम से, टूट गया। अब ठीक है? हाँ ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके हाँ ओके है, ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो योगेश भाई, कैसे हैं आप? लोग चले गए, क्या करें, अचानक से कभी कभी नेटवर्क का इशू आ जाता है। बारिश हो रही है एक्चुअली बाहर, और बारिश होती है ना तो पता ही है आपको कि नेटवर्क रोने लग जाता है। मेरा दूध ठंडा हो गया बड़े बड़े, और मेरे पैर में एक्चुअली लग गई थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं इससे टकरा गया मेरा घुटना, और वही पटेला वाला घुटना टकराया। थोड़ा सा पेन हुआ लेकिन ठीक है अभी। है शिट शिट शिट, हल्दी जो है ना लास्ट में आ जाती है, वो बैठ जाती है। भेजूं सॉन्ग? हाँ भेज दे रेहान भाई, जल्दी भेज दे, सब वेट करें तेरे सॉन्ग का। हेलो भाई, हेलो योगेश भाई, क्या हाल चाल? अब ठीक है? ठीक है। आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, वो नेटवर्क के लिए आई एम सॉरी यार, बारिश के कारण हुआ। टेक केयर यू टू, टेक केयर शुभी, कैसे हो आप? मांसपेशियाँ कितने दिन में मजबूत होती हैं? विशाल भाई एक्सरसाइज करने से मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। आप चाहो तो उसको 1 महीने में कर लो, चाहो 6 महीना लगा दो उसमें। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है, मैं मिल्क भी ठंडा हो गया हो, मेरा तो मिल्क पी लिया, उसमें हल्दी नीचे हो गई थी। ये सोच कर चलना है, 3 साल से कम गिरना नहीं है, 3 साल से कम में गिरना नहीं है, यही सोच के चलना है। बारिश तेज़ हो गई, शायद से ओले तो नहीं पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है आवाज़ से। 3 साल से पहले गिरना तो है ही नहीं यार, अब बहुत गिर लिए, अब नहीं गिरना। मुझसे आज एक बंदा बोलता है बाइक का, मेरे बाइक का एक तो वो हो रहा था, मेरे बाइक का इंश्योरेंस 23 तारीख को एक्सपायर्ड था, तो एक बंदा फ़ोन आया बजाज अलायंस से, वो बोलता कि भाई एक काम करो, अपना बाइक का ना इंश्योरेंस करा लो, हमारे वहाँ एक नई ऑप्शन चला है जिसमें आपको सिर्फ फ़ोटो खींचनी है, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींच के आप अपलोड कर दोगे आपको पैसा मिल जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाता है उसमें। मैंने कहा भाई एक बार हो गया है, एक बार झेल लिया है, अब इसका नाम मत ले भाई, अब मत नाम ले एक्सीडेंट का, तुम उससे ऐसे ही एक्स्ट्रा पैसे ले ले, लेकिन ऐसा नाम मत ले कि एक्सीडेंट हो तो ऐसा कर लो, अब मेरे को गाड़ी नहीं चलानी। तो ये अभी आज ही हुआ है एक्चुअली, ये सोच कर चलना है कि 3 साल तक गिरना नहीं है। कि भाई स्टार्टिंग में जब पाँव नीचे रखते हैं तो कैसा महसूस होता है, 60 डेज से पाँव नीचे नहीं रखा है। शिवकेश्वर जी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, हो सकता है हल्का सा पेन भी हो, अजीब सा हो सकता है, इचिंग हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1-2 दिन रखोगे नॉर्मल हो जाएगा। नो नो, बारिश नहीं हो रही है, यहाँ हो रही बारिश, बहुत तेज़ बारिश है। नितिन जी बहुत बारिश हो रही है आपके वहाँ? हाँ बारिश हो रही है, तेज़ बारिश है, लेकिन नेटवर्क अभी ठीक है। रियाजुल भाई सच में यार ऐसा ही हुआ था आज, तो मैंने बोला भाई कुछ नहीं यार अब ठीक है, अब नहीं गिरना, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा ही नहीं भाई, तू ऐसे डरा मत पहले से। इंसान का डर कितने दिन तक रहता है, इन्फेक्शन का डर कितने दिन तक रहता है? देखिए सोनू भाई, अगर आपके बाहर से कोई वुंड नहीं है, कोई बाहर से वुंड नहीं है तो आपको इन्फेक्शन का डर कम होता है, अगर बाहर से वुंड है तो इन्फेक्शन हो सकता है। अंदर अगर ना डॉक्टर की हाइजीनिक, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कैसी जगह पे आपने हॉस्पिटल में कैसे करवाया है,
अगर डॉक्टर ढंग से करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, तो बिल्कुल भी इन्फेक्शन का डर नहीं होता। बाहर अगर ओपन वुंड है तो उसमें थोड़ा डर लगता है। मैं मिल्क पीकर आती हूँ, बिल्कुल पी के आओ, बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट के बाद लाइफ चेंज हो जाती है गीता जी, होता है यार, लाइफ चेंज हो जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वापस से उसको पटरी में लाना आपके ऊपर है, आपके विश्वास के ऊपर है। अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे ना, लोगों की नहीं सुनोगे, खुद पे विश्वास रखोगे, तो बहुत जल्दी आप नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। लोग आ रहे हैं, आपके सामने हैं, तो आप भी आओगे, घबराओ नहीं। इंसान का डर तो यार इंसान का डर है, इंसान का डर तो क्या बोलें, इंसान का डर रियाजुल भाई वो तो कभी नहीं जा सकता, अभी भी डर लगता है। हाय निधि, कैसे हो आप, क्या हालचाल, कैसी हैं चंदा मैम? मुझे लगता है कि वो बहुत ठीक हो गई होंगी, कितनी ठीक हुई हैं प्लीज़ बताइए। सर, साइकिल चलाने से कितने दिन में मजबूत हो जाती है मांसपेशियाँ फीमर की? देखिए, साइकिल चलाने से आपकी मसल्स तो स्ट्रांग होती ही हैं, ऑब्वियस, काफ मसल में फ़र्क पड़ता है, आपके जो थाई मसल्स हैं उनमें भी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप डेली चला रहे हैं, मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद आपको ना थोड़ा हैवी चलानी है, वो मतलब कि चढ़ाई में जाओ, पहाड़ आ जाओ, पहाड़ में चलाओ, तो जितना चलाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। वो तो वैसे भी अच्छा होता है, मुझे लगता है मैं बार बार हैंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कर रहा हूँ शायद, ऐसा मुझे यहाँ पर लगा अभी यहाँ देख के। बाकी 720p में तो मुझे लगता है क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ भी क्लियर दिख रहा है। यस मॉम, अच्छी हैं, बहुत बढ़िया। तो उनसे बोलो रसगुल्ले बनाना रहा है, तैयारी कर लें रसगुल्ले बनाने की। हाय नितिन भाई, क्या हाल है? मिलन गुरंग जी, बहुत बढ़िया, आप बताएं, आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप भी बहुत अच्छे हो गए होंगे। गीता जी, आप प्लीज़ इतनी ओवर थिंकिंग मत करो, आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना प्रॉब्लम होगी, सो प्लीज़ थोड़े टाइम और दो, एंड टाइम के साथ सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है, बस अपना ध्यान रखो और खुश रहने की कोशिश करो। बिल्कुल सही, मॉम रसगुल्ले बना रही है। उन्हें पता था कि मैं ये बोलने वाला हूँ, उन्हें तुरंत बोल दिया कि मॉम रसगुल्ले बना रही हैं। सही है, सही है, सही है, अच्छी बात है। उनसे बोलना कि रसगुल्ले जल्दी जल्दी भेज दें, व्हाट्सएप चेक करो। ठीक है रेहान भाई, भेजता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ओके गरिमा जी, ओके, बना रही हैं, ठीक है। हूँ भाई, मैं भी ठीक हूँ, बस ठीक ही रहना चाहिए मिलन भाई, और अच्छा है, और भी अच्छा होना है हम सबको। रेहान भाई ने कुछ भेजा है, रेहान भाई ने सॉन्ग गा के भेजा आई थिंक, लेकिन मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है इस सॉन्ग की। रेहान भाई ने कुछ भेजा है मुझे, मुझे दिख नहीं रहा रेहान भाई की जो वीडियो है, मैं यहाँ रन करा देता हूँ। हाँ गीता जी, एक्सीडेंट के बाद मैं मेंटली आई एम शॉक्ड, कोई भी मेरे सामने रन किया तो डर, कोई गाड़ी पे स्पीड जा रहा तो मुझे डर लग रहा, भाई बहुत डर हो गया है भाई, आई थिंक इट्स फोबिया। शिवकेश्वर जी, अभी आप चले नहीं हो ना, मेरे को भी बड़ा फोबिया था उस जगह से जहाँ से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इवन वो रास्ता ही जब मैं जाता था ना, मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू हुआ और बहुत गंदी तरह से अटका है, मुझे दिख रहा है वो बहुत गंदे फेस पे अटक गया है, इतने गंदे फेस पे अटकना नहीं चाहिए, मजाक मत उड़ाना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ कि इतने गंदे फेस में अटका ना मेरा वो फो, मेरा लाइफ अभी अटका हुआ है कि चल रहा है, बताओ जल्दी से, क्योंकि वो बहुत गंदा फेस है, मैं उतना गंदा फेस देख नहीं सकता अपना, बहुत गंदा लग रहा है। सर आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ निधि, काफ़ी ठीक हो गए हैं, अभी ठीक और होना है। हाय गीता जी, हाय गरिमा, मजाक मत उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका सॉन्ग, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं आई आवाज़। नो, इट्स ओके, नहीं अटके हो सर, ठीक है। हाँ वो उसमें अटक गया था एक्चुअली, मुझे लगा अटक गया। रेहान भाई चल रहा है, ठीक है, ओके, मुझे लगा कि अटक गया वो, और इतने गंदे फेस में अटका था ना, ऐसा करके कुछ गंदा सा मुँह बना हुआ था मेरा और उसमें अटक गया था वो, तो मुझे लगा ऐसे गंदे से मुँह में तो नहीं अटकना चाहिए, अटके तो अच्छे से मुँह में अटके, ऐसे अटक जाए, ऐसे अटक जाए, लेकिन वो गंदे से मुँह में ना अटके। ओके एक सेकेंड ना, आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगता है कि आपने गाया लेकिन आवाज़ नहीं लगाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। रेहान भाई आपको आ रही है आवाज़? मेरा हेडफोन तो ख़राब नहीं हो रही। ओह शिट, आपने सॉन्ग चला दिया, मेरे को इस कान में आवाज़ नहीं आ रही थी, इस कान में आ रही होगी, ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन इशू क्या हुआ कि वो सॉन्ग ऑटोमेटिक चला हुआ है, उससे मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी अभी, क्योंकि ये पक्का 100% स्ट्राइक आएगी, सॉन्ग था, आई एम सॉरी, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपकी आवाज़ के साथ साथ ना पीछे से जो सॉन्ग चल रहा है उसकी आवाज़ भी है, उतने एरिया में स्ट्राइक आएगी तो मैं उसको फटाफट चेंज कर दूँगा, आई एम सॉरी भाई, वो चला नहीं पाऊँगा मैं, है ना। नो इट्स ओके, ओके चल रही है,
अब सॉन्ग सुनने की बारी, वाह आ रही है, ओके आ रही है, आ रही है, ओके। नितिन भाई एक बात बताओ, फ्रैक्चर वाली हड्डी है ना, वो बाहर से महसूस होती है क्या जब एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज करने के दौरान बाहर से महसूस होने का क्या मतलब है? मोटी मोटी में लग रही है, वो मोटी मोटी लगती है, वहाँ लड्डू बन जाता है, जो हमारे अफजल भाई का टर्म है ना लड्डू, वहाँ एक लड्डू बन जाता है कैलस का, वो महसूस होती है, कोई इशू की बात नहीं है, रिमॉडलिंग में सही हो जाएगी। नितिन मुझे तो हंसी आ रही है। नितिन मुझे हंसी, हंसी क्यों आ रही है? रेहान जी सॉरी, अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भेजना अब सर को, हाँ रिकॉर्डिंग भेजना ना अपनी खुद के, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, स्ट्राइक, हाँ सॉरी सॉरी, कॉपीराइट क्लेम, यस यस कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा उतने से एरिया में, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया। यार मुझे ना क्लेम से बहुत डर लगता है, एक जो चैनल बंद हुआ है उसके बाद से ना मैं क्लेम से, क्लेम और स्ट्राइक का मैसेज देख के ना बड़ा मूड खराब हो जाता है, इसलिए मैं उसको तुरंत हटा देता हूँ, उसकी जगह को म्यूट कर देता हूँ या कोई दूसरा गाना लगा, गाना लगा देता हूँ वहाँ पे। और वो मैंने दूसरे शायद एक साइड पे आवाज़ आ रही थी इसलिए कोई दिक्कत था। भाई फोबिया के बारे में बोल रहे थे कुछ, रुका दिया, हाँ सॉरी, फोबिया के बारे में मैं ये बोल रहा था, शिवकेश्वर जी जब मैं यहाँ से जाता था ना अपने उस जगह पे, मुझे भी एक डर लगा रहता था कि यार कहीं मेरा वही प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब कैसे देखूंगा, कैसे फेस करूंगा, कहीं मैं पहाड़ में गिर गया तो, मैं बाइक चलाया मेरा पैर नीचे रखा मैं गिर गया तो, एक डर सा मन में बैठ जाता है। लेकिन जब मैं गया, जब मैं जाने लगा, अब आप, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, आप उन लोगों के साथ रहना ना जो आपको कभी भी ये फील नहीं होने देंगे कि आपके पैर में फ्रैक्चर है। मेरे जैसे सर लोग हैं ना, वो कभी मुझे फील नहीं होने देते कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है, वो मुझसे वही कहते हैं जैसे नॉर्मल लाइफ में कहते हैं चल वॉक करने चलो, चलो नॉर्मल चलो, वो मेरे साथ हल्का चलते हैं, उनको पता है, लेकिन कभी भी वो ये फील नहीं होने। इससे क्या होता है, हमारे को एक कम्फर्ट जोन से हम बाहर आते हैं, और कम्फर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। घबराइए मत, कुछ नहीं होता, ऐसा डर हम लोगों को लग गया है, अब नहीं होगा ऐसा कुछ, थोड़ा बहुत तो डर लगेगा। मैं भी जब बाइक के पीछे बैठता हूँ तो मैं किसी को पकड़ लेता हूँ एकदम से ना, पीठ में ऐसे पकड़ लेता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी सामने से आ रही है, थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे चला जाएगा यार, चलाओगे ना गाड़ी पे आओगे बस चला जाएगा। जैसे दीपक को देखो, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब कर रहा है, वो कॉपीराइट क्लेम आ गया। ओके भाई फोबिया के बारे में, सर दुर्गा पूजा आ रही है हमारे यहाँ, अरे हाँ दुर्गा पूजा आ रही है, प्लीज़ दुर्गा माँ की फ़ोटो ज़रूर भेजना निधि, और वो कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ भी भेजना ज़रूर, हाँ अपने वहाँ से, और हाँ उसकी मिठाई भी तो भेजना, वो तो ज़रूरी है। मेरा भी आया कॉपीराइट क्लेम, अच्छा अमन भाई का भी आया, मैंने भी, मैं भी गाया था सॉन्ग पर मैं अच्छा नहीं लगा मेरे को, मजाक बनाएंगे तो मैं फिर, मुझे दूसरों का सॉन्ग पसंद है, मैंने भी गाया था सॉन्ग पर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मजाक बनाएंगे सब, पर मुझे दूसरों का सॉन्ग पसंद है। अच्छा तो आपने गाया था तो भेज दो, यहाँ चला देंगे हम उसको। शिवकेश्वर जी ऑल द बेस्ट, घबराइए मत। आप कहाँ रहते हो विशाल भाई? मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, ठंडा हो रहा है, और तो और जिस जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ मेन रोड है। ओके कोई बात नहीं गरिमा, सॉरी गीता जी, होता है यार एक्सीडेंट तो होते रहते हैं लाइफ में कुछ कुछ। गुड नाइट, इस टाइम टू स्लीप, गुड नाइट अमन भाई, गुड नाइट, टेक केयर, आराम करिए, बहुत ज़रूरी है, एक बार रिफ्रेश कर लेना, ऐड आएगा ऐड ज़रूर देख लेना अमन भाई। हितेश जी हाय ब्रो, हाय हितेश भाई, क्या हाल है आपके? मिलन भाई हुह भाई, ऐसा मोटी मोटी तो कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि वो हड्डी पर कुछ लचक हो रही है। ऐसा क्यों? लचक मतलब कैसे लचक? आप उसको दबाना मत ना बहुत ज़्यादा, पहले जो हमारा, जो हमारा कैलस होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको दबा दबा के तोड़ मत देना कि ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं है, लचक वचक कुछ फीस नहीं, फील नहीं होती आपको, बस मन का वहम है वो और कुछ नहीं है। नो नो गरिमा, नो नो, भेजो भेजो सब लोगों को भेजो, नो नो नहीं करना। किस स्टेट से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। भाई सर 2.5 मंथ हो गया है, मॉम पूछ रही हैं कितने दिन बाद से अच्छी तरह चल पाएंगी। मॉम से बोलिए, चंदा मैम से बोलिए निधि जी कि वो बहुत जल्दी चल पाएंगी, अभी अब वॉकर से चल रही थी, मैंने उनकी वॉक देखी थी, वो बहुत अच्छी वॉक कर रही हैं वॉकर से, उनसे बोलो कि वॉकर से स्टिक पे आना है बहुत जल्दी, 2.5 मंथ हुआ है, 3 महीने के अंदर अंदर उनको स्टिक पे आ जाना है, और स्टिक छोड़ना फिर उनके ऊपर है, और इस बीच में उनको एक्सरसाइज करते रहनी है, वॉक करते रहनी है, ज़रूरी है वो करना, एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। उनसे बोलिए घबराइए मत, बहुत जल्दी जल्दी आप ठीक होने वाले हैं। उस रोड से मुझे डर लगने लगा है, अब नहीं लगेगा डर गीता जी, डेली डेली जाओगे नहीं लगेगा। भाई खाना हुआ क्या? खाना खाओ भाई, खाना खा लिया सुमेध भाई, खाना वाना खा के ही बैठते हैं हम आप लोगों के साथ। गुड नाइट, गुड नाइट विजयाल भाई, टेक केयर भाई। बैकग्राउंड में रेन साउंड आ रहा है, हाँ बहुत बारिश हो रही है एक्चुअली, तो आ रहा होगा, इसलिए नेटवर्क भी जा रहा है बार बार। हाँ हाँ आपकी ऐड मैंने स्किप का ऑप्शन नहीं आता, 20 सेकंड देखना ही पड़ता है। अच्छा ऐड में स्किप का ऑप्शन नहीं आता, हाँ कुछ स्किपेबल होती हैं कुछ नॉन स्किपेबल होती हैं, दोनों ऐड आते हैं शायद उसमें, बैकग्राउंड में जिनके साउंड आ रहा है। ओके सब मजाक बनाएंगे सर, मैं शर्म आएगी मेरे को। कोई मजाक बनाएगा क्या प्लीज़ बताओ,
आपके डॉक्टर का नाम क्या है? विशाल जी, मेरे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी। तो मैंने उनसे अपना ये पूरा जो अपना सर्जरी वगैरह कराया था वो उन्हीं से करवाया था। राम मौलू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? राम मौलू जी, नो स्किप ऐड, स्किप ऐड नहीं है। ओके, बीच बीच में भी आ रहा है ऐड? अभी तो नहीं आया होगा मुझे लगता है। गरिमा जी आप कहाँ से हो? गरिमा जी मुक्तेश्वर से हैं, इवन मेरी स्टूडेंट हैं। मुझे नहीं पता उनके पास कैसे मेरा चैनल पहुँचा, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट को कभी शेयर नहीं किया था। उनके पास पहुँच गया वो कैसे भी जैसे, और वो लाइव आ गई। सर नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? हितेश भाई, रिजन भाई स्टिक से मैं नॉर्मल चल लेता हूँ, लेकिन विदाउट स्टिक आई एम नॉट एबल टू वॉक सिंपल, देर इज़ लुक लाइक लचक। आप स्टिक से नॉर्मल चल लेते हैं, लेकिन विदाउट स्टिक नहीं चल पा रहे हैं। कोई इशू नहीं है भाई हितेश जी, धीरे 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 विदाउट स्टिक भी चल पाएंगे। विदाउट लचक, और लचक धीरे हल्की फुल्की आती है, चलता है, यानी कि लिंपिंग हल्की फुल्की होती है, चलता है। और बाद में अगर आपको 3 महीने से ऊपर हो चुका है तो आपको लिंपिंग की मैंने कुछ एक्सरसाइज अपने चैनल पर भी पोस्ट की हैं और पर्सनली भी भेजी हैं, तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्मा जी मैं चंडीगढ़ से हूँ, गीता जी चंडीगढ़ से हैं, मैं बहुत बुरा गाती हूँ मैं से। रियान जी मेरे को शर्म आती है और वो बहुत बुरा गाती हैं, सब बोल रही हैं। नितिन भाई स्टिक से नॉर्मल चलते, लचक, सब ही बुरा गाते हैं। सही बात है, सभी बुरा गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अच्छा गाता है। गर्मा जी आप कहाँ से हो? वो उत्तराखंड से ही हैं गीता जी। नो स्किप ऐड, अच्छा स्किप ऐड नहीं आते हैं यार, आने तो चाहिए। 25 लोग लाइक हैं, लाइव हैं, और लाइक 44 हो चुके हैं, प्लीज़ उसको 50 तक पहुँचा दो। हाय फैसल भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? ठीक है ना? और ठीक ही होना चाहिए, हमारी तरफ से यही है कि आप ठीक हो जाएं जल्दी जल्दी। और बताइए, कुछ लोगों ने डिसलाइक भी किया है क्या? एक डिसलाइक है, ओके। कोई मेरी मजाक नहीं बनाना, ओके, कोई मजाक नहीं बनाएगा, वो पक्का गाई गरिमा। फिर उसके बाद कोई मजाक नहीं बनाएगा। वीडियोस कुछ भेजी थी मुझे, मुझे नहीं पता कि वो वीडियोस आई कि नहीं, मैंने ऐड करी कि नहीं, देख लेता हूँ। रिहान जी, जी भाई ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, बस आप लोगों की दुआ है और आप लोगों की दुआ से हम बहुत बढ़िया हैं। तहसील भाई ने एक वीडियो भेज, एक एक्सरे भेजा है अपना, मैंने ऐड कर दिया। तहसील 1 महीने का। रिहान शाह ने अपनी वीडियो भेजी थी, मैंने वीडियो चलाई थी। गीता जी ने भी कुछ भेजा है, नमस्ते गीता जी, आपने क्या भेजा? सर ग्रुप में, ओके। तो मुझे लगता है कि मैंने सब लगभग सबका देख लिया, कोई इशू तो नहीं लग रहा है। पहले सब प्रॉमिस करो कि कोई मेरी मजाक नहीं उड़ाएगा, सब लोग प्रॉमिस करो कि कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तब वो कहेंगे ओके। रियाजुल भाई ओके, ओके जी भाई ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो एक एक्सरे आया हुआ है, उसको ऐड करते हैं और उनको ये लाइव शेयर भी कर देते हैं, ताकि अगर लाइव से कुछ इशू हो तो वो लाइव में आ जाएं फटाफट। ओके, तो तस्लीम भाई, तहसील भाई 1 महीने का एक्सरे उन्होंने भेजा है मुझे। सुवेद जी हाय, आई प्रॉमिस, सबने प्रॉमिस कर दिया। नहीं गरिमा, कोई मजाक नहीं उड़ करेगा, मैं तो नहीं, कोई करे ना करे, धीरे धीरे तो नहीं करेंगी, वो ऐसा बोल रही हैं। सुमेर जी ओके, ठीक है, एक सेकेंड इसको भी ऐड कर लेता हूँ, फिर लाइव करते हैं क्लोज, काफ़ी टाइम से हो गया लाइव को। एक महीने का एक्सरे है हमारे तस्लीम भाई का, अगर वो यहाँ हैं तो। भाई 24 लव बट 45 लाइक, लाइव बट 45 लाइक, हाँ 21 लाइक, क्योंकि लोग चले गए, थोड़ी देर आते हैं चले जाते हैं, इसलिए 21 लोग हो गए हैं, लेकिन 48 लाइक हो चुके हैं। तो 48 को फटाफट से 50-60 कर दो यार, सपोर्ट कर दो। सर वॉकर से चलने पर मॉम को लोअर बैक में पेन होता है, वो कैसे ठीक किया जा सकता है? कोई एक्सरसाइज हो तो आप थोड़ा दिखा दीजिए। निधि जी, चंदा मैम, देखिए हमारे को जो लोअर बैक में एक्सेस जो पेन होता है ना, वो किस कारण होता है पता है? क्योंकि हमारा पोस्चर गलत है, वो जब चल रही है ना वो झुक के चल रही होंगी, थोड़ा सा उनको बोलो सीधा चलना है उनको, और आराम से चलिए, कोई इशू की बात नहीं है। ये पेन सिर्फ और सिर्फ पोस्चर के कारण है, सही पैर रखेंगे तो कभी पेन नहीं होगा, और पेन होना नहीं चाहिए। और अगर पेन उनके हो रहा है अभी तो पैर में भी प्रॉब्लम है, तो अभी एक्सरसाइज तो ऐसे कोई खास नहीं करनी है उनको। हाँ वो ज़रूर, उनका पैर तो चल नहीं रहा है, अगर उनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उन्हें? अगर अब अमन भाई यहाँ पे हैं तो
तो प्लीज़ उनको पहले तो ये है कि वॉक जो कर रही है ना उनको बोलो पैर सीधा करके और सीधा करके चलें तो दिक्कत नहीं होगी ये वाली। मेरे को भी स्टार्टिंग में ना लोअर बैक में प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गई। ऐसे एक्सरसाइज एज सच मुझे नहीं पता कि लोअर बैक के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर अमन भाई हैं तो वो शेयर कर देंगे, लेकिन वो पेन नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। वो फुल वेट बियरिंग के साथ, फुल वेट बियरिंग के साथ चल रहे हैं फैजल भाई। भैया आज वॉकर को फोल्ड करके चला मैं फुल वेट बियरिंग के साथ, बहुत बढ़िया फैजल भाई। वॉक आपने अगर वॉकर को बंद करके चले हैं ना अच्छी तरह चल पाएंगे, कोई इशू की बात नहीं है, अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं इसका मतलब आप। ओके ओके निधि जी, ओके फुल वेट सर, जब से एक्सीडेंट हुआ है मेंटली फिजिकली इनिशियली फाइनेंशियली थक चुका हूँ, घर वालों से भी सेवा करा के उनकी तबीयत खराब कर हो रही, किसी को भी ये तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। 60 डेज़ के बाद मैं आँखों में पानी भी ख़त्म हो गया है। शिवकेश्वर मराठी जी, देखिए मैं आपकी बात, आपके पॉइंट्स को, आपकी जो आप बोल रहे हो ना, एक एक वर्ड को मैं फ़ील कर सकता हूँ, हम में से सारे लोग यहाँ फील कर सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे एक्सीडेंट के बाद। हम मेंटली टूट जाते हैं, हम फिज़िकली टूट जाते हैं, फाइनेंशियली तो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि बहुत खर्चा आता है इस समय, और सारे लोगों से हेल्प ले रहे होते हैं, उनको अगर तकलीफ़ है हम दवाई तक लेने नहीं जा सकते, किसी को फीवर हो जाता है हम दवाई तक लेने नहीं जा सकते हैं, ये इशू होता है हम सब के साथ। मैं बता नहीं सकता, मुझे पता है कि आप कैसे झेल रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ घबराइए मत। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि ये एक लाइफ का टाइम है, बहुत बुरा टाइम है, ये ज़रूर निकल जाएगा। रात है, इस रात के बाद सवेरा ज़रूर आएगा, और उस सवेरे के आने के टाइम पे वो सवेरा ऐसा होगा ना कि हमारी आंखें उसको झेल नहीं पाएंगी, इतना अच्छा आपकी लाइफ में होगा, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई। शिवकेश्वर जी प्लीज़, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, आपने भी किसी का बुरा नहीं किया होगा, जाने अनजाने अगर किसी का बुरा होगा उसकी माफ़ी मांग लीजिए, और प्लीज़ अपने पे भरोसा रखिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। कैसे हो नितिन जी? रंभा जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ओके, और नी भी 40-45 डिग्री चला गया है, बहुत बढ़िया, 45 से 45 डिग्री चला गया है, उसको और बढ़ा लो सर, अच्छा हो जाएगा सर। हाँ विशाल जी बताएं भाई, फोटो सेंड करा है भाई अभी। सुमेश जी आपका एक्सरे है ये आप बताइए। सेंड कर दिया मैंने सर को। गरिमा जी आपने वीडियो सेंड, आपने ऑडियो सेंड करा, एक्चुअली आप वीडियो सेंड करो क्योंकि ऑडियो यहाँ चल नहीं पाता, वीडियो ही चलाना पड़ता है, तो अगर आप वीडियो सेंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आई एम सॉरी मैं बता नहीं पाया, वीडियो सेंड करना पड़ेगा, ऑडियो से काम नहीं चलेगा। सेंड कर दिया मैंने सर को। सर मेरे को 9 मंथ हो गया है अभी, यही सही नहीं हो रहा हूँ पर हो जाऊँगा, मेरे को 9 मंथ हो गया है अभी, यहाँ सही नहीं हो रहा हूँ पर हो जाऊँगा, बहुत जल्दी हो जाऊँगा। अच्छी बात है भाई, देखो हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रेहान भाई आप तो कितना कुछ झेल चुके हो, रेहान भाई को बताया कि उन्होंने क्या कुछ झेला है, लेकिन कल जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे वो, सबको विश्वास है, और ये विश्वास ही होना चाहिए, मेन चीज यही है। वीडियो कल को, हाँ कल भेज दीजिएगा। नो सुमेश जी नो, अच्छा ये नहीं आपका भैया, बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक कहा कह रहे हैं आप, 2-3 महीनों के बाद सही से चल रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ यार कि बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग सही से चलने लग जाते हैं। एक टाइम होता है कि इशू लगता है हम लोगों को कि क्या हो रहा है लाइफ में, लेकिन जब लाइट आती है ना, वो जब ये अंधेरे के बाद जो पहली रोशनी आती है ना, दूर मतलब ये सारी टेंशन को दूर ले जाती है यार। ये सबके साथ हो रहा है, और कई लोगों के साथ जिनके साथ नहीं हुआ है उनके साथ जल्द ही होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ऑल द बेस्ट गरिमा जी, ये चला दो आधा चलाना बस, आपने मुझे भेजा है 13 MB का सॉन्ग है, आप बोल रहे हो आधा चलाना, मैं तो लग रहा है कि ये ऑडियो है इसलिए के लिए था। मिस माय मैसेज, आपका मैसेज नहीं देखा मैंने, ऐसा कैसे हो गया? गरिमा जी आप बच्चे तो नहीं हो, गरिमा जी बच्ची ही हैं एक्चुअली भाई। सेंड पिक, ठीक है सुमेश जी मैंने आपकी पिक देख ली है, ऐड कर लेता हूँ भाई। मैं बार बार सबको यही बोलता हूँ कि प्लीज़ यार अपने पे भरोसा रखो, और अगर आपने अपने पे भरोसा रहेगा ना तो कब ये जो दिन है ना वो निकल जाएंगे बस आराम से। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये एक्सरे है एक्चुअली, ये देख लेते हैं, ये एक्सरे है, दूसरा ये है, ये दोनों हैं आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे सुमेध भाई का एक्सरे है मुझे लगता है। मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ गीताजी, बहुत छोटी सी बच्ची है। ओके निहार जी ओके। शिवकेश्वर जी बी पॉजिटिव, ऑल इज़ वेल, हम लोग सब वो टाइम एक दिन बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात, निहार जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक ना एक दिन वो आएगा जब हम लोग इस सब से बाहर आ जाएंगे।
थैंक यू सो मच निहार जी फॉर योर मोटिवेशन यार, थैंक्स भाई। सुमित भाई आपका एक्सरे है, आपका बोन बहुत अच्छे से हील हो रहा है, आपका बोन एक के ऊपर एक रख दिया गया है, बीच में रॉड लगी है, कोई इशू की बात नहीं है, अच्छा हो रहा है, घबराइए नहीं, ऑल द बेस्ट, बस सही होना है आपको भी। थैंक्स भाई, थैंक्स वाली कोई बात नहीं है भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, थैंक्स एक लाइक कर दो, 53 लोगों ने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। गीता जी क्या आपको अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर सकते हो मुझे, अगर पॉसिबल है, गरिमा जी बोल रही हैं, सुमित कोर के भाई, ओके, तो बोल रही हैं कि अगर आप कर सकते हो तो करिए। ठीक हो जाएंगे, यस और नो, क्या आप सोचते हैं कि आप जल्दी, हम सब जल्दी ठीक हो जाएंगे, ट्रस्ट करते हैं, यस और नो, तो मैं और तुरंत उसका रिप्लाई कर दो, इसी चैट बॉक्स में वो क्रिएट हो जाएगा, तो आंसर दीजिए, वो मैसेज आपके सामने आता ही होगा, अभी पॉसिबल हो। हंडा का भाई, हंडा का हैंड का भाई, हैंड का है लेकिन ठीक हो गया, कोई इशू की बात नहीं, मिला कोई ऐसा आया कि नहीं आया, आया। ओ, मैं आज इसमें एक चीज़ और, बफरिंग होने लगा, ओके बफरिंग होने लगा, वो नेटवर्क दिक्कत करता है, पोल आ रहा है, पोल का मुझे पता नहीं चल रहा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेट चल रहा है अभी, चल रहा है। हाय सॉरीफुल मेयर जी, कैसे हैं आप सॉरीफुल भाई, बफरिंग हो गया, आई एम सॉरी बफरिंग के लिए, मेरा 3 मंथ्स हो गया है अब, मैं सब ठीक हो गया है, जस्ट दौड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देखो ना सुमन भाई भी 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बस दौड़ने में दिक्कत है। सुमन भाई वेल डन भाई, बहुत अच्छा हो गया आपका 3 महीने में, तो 100% लोगों ने बोल दिया है यस, अब नो वाले कौन है अभी पता चल जाएगा, अभी तक तो नहीं आया किसी का भी। टॉप चैट, अब मैं देखता हूँ कि टॉप चैट कौन है, टॉप चैटर इसमें कौन है, वो हम देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि कई लोगों ने रिप्लाई कर दिया है अभी तक, ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, ओके भाई नो प्रॉब्लम, सुमित जी ऑल द बेस्ट। लास्ट वोट मेरा था भाई, अच्छा लास्ट वोट आपका था, मैंने अभी बंद नहीं किया है अभी, वो तो चल रहा है अभी, चलने में ही है अभी, बंद नहीं हुआ है वो, आपको दिख रहा होगा, मैंने एंड नहीं किया है, तो सब लोग मानते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो घबराने की क्या बात है भाई, देखो ना आपके सामने 26 लोग हैं और मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग उसको आंसर दे रहे हैं, और अगर सब लोग आंसर दे रहे हैं तो देखो 100% है अभी तक, ओके भाई नो प्रॉब्लम, ओके अब मैं पक्का मिल्क पी लेती हूँ वरना मम्मा डांटेंगी, बिल्कुल पी लो बहुत ज़रूरी है, तो कैसे वोट करें, वोट का ऑप्शन आ रहा होगा ना उसमें, देखो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, यस और नो लिखा होगा, यस और नो आप कर सकते हो, क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा होगा, मुझे लगता है आ गया होगा, मैं आंसर कब दे दिया है, जी कब के दे दिया है, अच्छा मुझे पता नहीं लेकिन आ गया है यहाँ पे, आप लोगों का आंसर मिलता जा रहा है और यस में ही है सबका आंसर अभी तक जितने लोगों ने दिया है। मैं तो आजकल एक्टिवा पर ऑफिस जाता हूँ भाई, देखो ना सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो लोग सोच रहे हैं ना कि क्या कब कब होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए ये आंसर है कि वो देखो एक्टिवा में अपने ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है लाइफ में, तो ये आपके हाथ का एक्सरे है, मुझे तो ऐसा लग रहा था, ऐसा ही टीबिया फिबुला भी होता है ना सेम, तो मुझे लग रहा था कि ये पैर का फ्रैक्चर होगा, लेकिन फिर भी चलो हाथ का है चाहे पैर का है, फ्रैक्चर बहुत सही से हील हो रहा है, कोई इशू की बात नहीं है, है ना। बफरिंग हो गया फिर से शुरू, अरे यार ये बफरिंग ने रुला रखा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बफरिंग का क्या इशू है, फिर से बफरिंग होने लगा, बफरिंग है क्या बीबी, तो चल रहा है अभी तो सही चल रहा है, डराओ मत यार बफरिंग कह के, मतलब नेट मेरा ख़राब हो या किसी और का हो, नहीं हो रही है बफरिंग, हाँ वही तो बोल रहा हूँ नहीं हो रही है, किसी और का भी नेट ख़राब होगा तो मुझे ही फंसा दे रहे हैं यार कि मतलब मेरी बफरिंग है, और मैं अभी विश्वास कर ले रहा हूँ, अब ठीक है भैया, हाँ
अभी हमें बफरिंग करके मैं अगर कुछ और क्या यार मतलब कुछ भी बफरिंग बफरिंग सब मजे ले रहे हैं मुझसे यार। और बताओ भाई क्या हाल चाल है, आइस में पेन हो रहा है, ज़्यादा देर मत बैठो ना। गेमो जी हाय कैसे हैं आप, अब ठीक है भैया ओके। हाय गेमो भाई क्या हाल चाल है, क्या लगता है नो वाले भी हैं यार, 6% लोगों ने नो में वोट दिया है। कौन है भाई जो कह रहा है कि हम ठीक नहीं होंगे, कौन है वो कौन है जो कह रहा है कि हम सही सही नहीं हो सकते, ऐसा कैसे बोल दिया आपने कि हम ठीक नहीं होंगे, ऐसा मत करो यार। 94% लोग बोल रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, 6% लोग कह रहे नहीं होंगे। आइज में पेन हो रहा है तो आराम करना चाहिए। ये पाँव का है और हाथ का सेंड किया है भाई, हाँ अच्छा हाथ का भी सेंड किया है, सॉरी अगर मुझे तो कह रहे हो आप ऐसा कैसे हो गया, हाथ का ओके हाथ का भी भेज दिया उन्होंने। देखो उनका हाथ भी फ्रैक्चर है, पाँव भी फ्रैक्चर है और वो सर किसी का फ्रैक्चर नहीं जुड़ता है, हड्डी का चूरा कैसे भरता है। विशाल जी देखिए अगर आपका किसी का बहुत ज़्यादा हड्डी टूट जाती है ना तो क्या करना पड़ता है, बोन ग्राफ्टिंग, बोन ग्राफ्टिंग से जुड़ जाता है। सारे ऑप्शन आजकल अवेलेबल है यार, डॉक्टर ये कहता है ना कि अगर आपका चेस्ट का फ्रैक्चर ना हो, मतलब आपके ये यहाँ पे फ्रैक्चर ना हो, आपके रीढ़ की हड्डी में ना हो, तो वो बाकियों में कहीं भी हो जाए तो वो ठीक हो जाता है, कोई इशू नहीं आता उसमें। तो ऐसा मत सोचो कि कुछ प्रॉब्लम रहेगी यार, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है लाइफ में, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती जो प्रॉब्लम करे। हाय ऋषि भाई कैसे हैं आपके फादर भाई, मेरे पिताजी के दोनों पैर में सूजन आती है, प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप चल रहे हैं, आपके हाथों चल रहे हैं इसलिए होता है। एंकल बहुत जाम हो रहा है भैया, गैमो भाई मैं बार बार बोलता हूँ एंकल की एक्सरसाइज करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करिए उसकी, आपको पंजे में वो फंसाना है और पीछे की तरफ खींचना है, 10 से 15 सेकेंड वेट करना है, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, मैंने एक्चुअली आज कागज़ भी रखा था एक एंकल की एक्सरसाइज, देखिए एंकल का कहाँ गया एंकल मूवमेंट, ये देखिए लेट कर पैरों के पंजे को अपनी ओर खींचते हुए पंजों को उसी अवस्था में 1 से 10 तक गिनती का अगर होल्ड करें, पंजों को ढीला छोड़ दें, इससे 10 से 15 मिनट तक दोहराएं। एंकल या पैर में सूजन होने के लिए तकिया की मदद से एक्सरसाइज करें, एंकल के नीचे पिलो लगाकर पंजों को खींचेंगे तो इससे काफ़ी मसल्स काफ की मसल पर खिंचाव होगा, जो काफ्स की मसल है ना उन पर खिंचाव होगा, जो काफ्स की मसल हम कहते हैं जिससे आपकी वो भी दूर होती है, क्या क्या दूर होती है आप लोगों की जो भी लिंपिंग का इशू है वो भी दूर होता है इससे, तो कर सकते हैं आप आराम से। हेलो सिमरन जी, जी कैसे हैं आप भाई, उस लड़के के बारे में कुछ बताओ भाई, किस लड़के के बारे में राधे भाई, ऊपर वाले की दुआ है, बस ऊपर वाले की दुआ रहनी चाहिए, आप ठीक हो जाएंगे, और ये बोन भी ऐसी हो रही है आपकी, कोई इशू की बात नहीं है, ऑल द बेस्ट सर। एंकल बहुत जाम हो रहा है, एक्सरसाइज करिए। गरिमा मुझे तो नींद नहीं आ रही, गीता जी को नींद नहीं आ रही गरिमा जी भाई, मुझे लड़के के बारे में, किस लड़के के बारे में पूछ रहे हो राधे भाई, अच्छा वो जो आपने एक्सरे भेजा था, ठीक है। हेलो ब्रो, हेलो सुमन जी, जी कैसे हैं आप, हाय भैया स्वेलिंग मेरे भी आ जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं फैसल भाई, स्वेलिंग आना नॉर्मल है, 1.5 साल 2 साल आता रहता है वो, उससे पहले आपको अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि स्वेलिंग ना आए। मुझे अब गीता जी 3 या 4 बजे सोती हूँ और 7 से 8 बजे उठ जाती हूँ, क्या सोती है, कुछ नहीं सोती, सेम डिट्टो, गीता जी भी ऐसी सोती हैं, सबकी लाइफ ऐसी क्यों हो रही है भाई, इतना कम थोड़ी सोना चाहिए, सोना तो अच्छी तरह चाहिए, पूरा सोना चाहिए, पूरा नींद लेनी चाहिए भाई। लोग अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो पीछे नीचे डॉलर का साइन बना हुआ है, उससे आप जाके हमें सपोर्ट कर सकते हो, 20 रुपीज़ मिनिमम, बाकी मैक्सिमम आप जितना चाहना चाहे करना चाहें वो आप कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। और जो भाई ने एक्सरे भी बोला है मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश यहाँ करता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, आओ बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, चली गई बारिश, तो ये दिख रहा है आपको एक्सरे, ये एक्सरे है हमारे भाई का, यानी कि हमारे क्या नाम भाई का, हमारे कहाँ गए, हमारे राधे भाई ने एक्सरे भेजा था एक्चुअली, ये राधे भाई किसका एक्सरे था, ये नींद नहीं आ रही सर, बस 4 घंटे की है, नींद सही नहीं आ रही है भाई, बस 4। शिवकेश्वर जी, जब हम बेड पे होते हैं तो ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है, बाद में नींद बहुत आती है, टेंशन मत लो, बेड से जब उठोगे वॉक करने लगोगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट मुकेश, आराम करिए। गीता जी और मुझ में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, गीता जी और मुझ में बहुत सारी चीज़ें, हाँ आपका नाम भी सिमिलर है, जी से स्टार्ट। पिताजी को जॉब स्टार्ट किए हुए 20 दिन हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है मगर सूजन आती है, सूजन के लिए उनसे बोलिए कि जब भी सूजन बहुत ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा चल लीजिए या फिर पैर को सीधा करके थोड़ी देर आराम करें, उससे आराम मिलेगा।
नींद सही आ रही है? नहीं, मैं तो कह रहा था बारिश बंद हो गई एक्चुअली, तब बोल रहा था। रेहान जी, बारिश चली गई है। दोस्त का है ये, दोस्त का एक्सरे है, आपको ये एक्सरे दिख रहा होगा। बोन हील हो रहा है, बोन हील में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपको दिख रहा होगा कैल्शियम कितना ज़्यादा आगे को बन गया है। ये उनको काफ़ी टाइम हो गया है इसको करते करते। मेन दिक्कत क्या हुआ कि उनका ये स्क्रू जो है वो टूट गया, आपको दिख रहा होगा, जो कि सबसे ख़तरनाक है ये स्क्रू का टूटना। ये स्क्रू इनका टूट गया है, जो सबसे दिक्कत वाली चीज़ थी इस एक्सरे में। और डॉक्टर उनसे बोल रहा है कि आराम से निकालना, जबकि इसको तुरंत टाइम से निकाल लेना चाहिए, बहुत बेकार है इसको ना निकालना। मेरा बोन ग्राफ्टिंग हुआ है, 1.5 महीने हो गया है। कितना टाइम लगता है सही होने में? सॉरी फुल मिर जी, आपको बोन ग्राफ्टिंग हुआ है, आपको कह रहे हो कि आपको 1.5 महीना हो गया, 45 डेज़ हो गए हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर ने आपको चलने के लिए बोल दिया होगा। अगर चलने के लिए बोल दिया है तो चलते रहिए, चलना स्टार्ट कर दोगे तो फिर रुकने का नाम नहीं लेना आपको। और अगर अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है तो 65 डेज़ के अंदर अंदर डॉक्टर आपको बोलेंगे चलने के लिए, तो ऑल द बेस्ट। भैया चलने पर सूज आता है, जैसा जी सबके साथ ऐसा होता है कि चलने में स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग दूर करने का एक ही तरीका है, एक्सरसाइज। और तो आप एलिवेट कर सकते हो उससे है तो स्वेलिंग तो आएगी। भैया अब लग रहा है कि पुरानी वाली लाइफ वापस आ रही है। बस फैजल जी यही लगना चाहिए, पुरानी वाली लाइफ वापस आ जाएगी बहुत जल्दी हम सबकी, यही अंदर से रखना है। हाय टेक्निकल राज जी, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? मुझे लगता है कि आप ठीक होंगे, सब लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बिल्कुल सही बात। बफरिंग फिर से यार, आप लोग मुझे उल्लू बना रहे हो ना, मुझे पता है फैजल भाई, क्योंकि यहाँ बफरिंग नहीं दिखा रहा है मेरे को, बफरिंग नहीं चल रही है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी आ रहा है। अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, आपने मुझे एक बार बना दिया। भाई मेरा 2 महीने हो गया है, आज मैंने साइकिलिंग की, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छी बात है टेक्निकल राज जी, आपने 2 महीने बाद आपने साइकिलिंग कर ली, कोई इशू नहीं हुआ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इसमें आपको एक पोल दिखाई दे रहा होगा, उसका आंसर ज़रूर देना कि क्या आपको लगता है, डू यू ट्रस्ट कि हम सब जल्दी ठीक हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे? बफरिंग नहीं है, बफरिंग नहीं हो रही है। अरे भाई कसम से अभी हुई थी बफरिंग। फैजल भाई आपके नेट पे हुई होगी, मेरी तरफ से नहीं हुई। मुझे उल्लू मत बनाओ। सर स्क्रू किस वजह से टूट जाता है? पीर बवार जी, देखिए स्क्रू टूटने के अलग अलग रीज़न रहते हैं। किसी का स्क्रू टूटा हुआ देखा तो ये मैं सोचो कि आपका भी टूट सकता है। वो क्या होता है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा वेट दे देते हैं अचानक से, या कभी कुछ आपका स्क्रू ढीला हो रहा हो, डॉक्टर आपका एक्सरे जो 1-1 महीने में करता है ना, वो इसी कारण करता है कि स्क्रू वगैरह सब सही जगह पर हैं। किसी किसी का क्या होता है कि 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो गया, उन्होंने नहीं दिखाया, वो बाद में दिखाते हैं तो पता चलता है कि स्क्रू टेढ़ा हो गया, टूट गया है। डॉक्टर इससे पहले ही डायनोवेशन करा देते हैं इसीलिए, ताकि वो टूटे ना, उसमें वेट पड़ने से ना टूटे। तो डॉक्टर को उसमें आइडिया रहता है यार, थोड़ा सा कि अगर स्क्रू बाहर को आ रहा होता है, डॉक्टर उसे तुड़वा देते हैं। उनका देख रहे होगे आप इस एक्सरे में कि उनका स्क्रू कितना ज़्यादा बाहर आ चुका था। इतना ज़्यादा बाहर आने के बाद तो वो टूटना ही था, तो अगर ये पहले एक्सरे कराए होते तो डॉक्टर इनको बता देता कि इनको अब इनको रिमूव करना चाहिए, और वो रिमूव कर देता है इसको। तो डॉक्टर से सलाह में रहना, डॉक्टर से टच में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके गीता जी, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, 19 ईयर की बच्ची हूँ मैं। हाँ कॉलेज स्टूडेंट है, 19 ईयर की अभी हुई है, ये छोटी बच्ची ही है, 12th पास आउट दे दिया। टेक्निकल राज जी क्या बोल रहे हैं? भाई मैंने 2 महीने हो गया है आज, मैंने साइकिलिंग का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, बफरिंग मुझे उन्होंने बफरिंग नहीं है। सर स्क्रू की वजह से टूटता है बता दिया। गरिमा जी आप कितने छोटे बच्चे हो ये बताओ, बता दिया, दे दिया। क्या दे दिया टेक्निकल राज जी, आपने मुझे एक्सरे भेजा है अपना या क्या भेजा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाथ का है, आपने मुझे कुछ नहीं भेजा है। गीता जी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ 19 ईयर्स की। मजाक कर रहे हो गरिमा जी, मजाक कर रहे हो। स्वेलिंग कब तक आता रहता है? जैसा जी 1.5 साल तक भी वो आता रह सकता है, कोई इशू की बात नहीं है। आप ये देखिए कि आप बोल रहे हो कि स्वेलिंग कब तक रहता है, तो स्वेलिंग रह सकता है आपका लगभग 1.5 साल, और उससे पहले चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बहुत जल्दी चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फैजल भाई बोल रहे हैं सच में गीता जी, ओके। तो भैया जी जिनका स्क्रू टूट गया है फिलहाल क्या करेंगे, वो तुरंत स्क्रू रिमूव कराना चाहिए उन्हें। और अब तो उनको इतना टाइम हो गया कि उनको डायनोवेशन की बहुत ज़रूरत थी, पहले भी उनको करा लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं कराया, स्क्रू रिमूव कराएंगे और कुछ नहीं कर सकते। सौमिता जी, सर आई लव यू, लव यू टू सौमिता भाई, कैसे हैं आप? मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, क्या हाल चाल हैं आपके। इन विच क्लास डू यू रीड? गीता जी वो जो हैं हमारे, जो गरिमा जी हैं, गरिमा जी हमारी 12th पास आउट हैं, अभी उन्होंने 12th पास आउट हो चुकी हैं वो, और 12th पास आउट करके अब वो कॉलेज जाएंगी। ओके
तो भाई लोग जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इम्प्लांट रिमूव करने के बाद स्वेलिंग रहती है क्या? 1 महीने के लिए रह सकती है, उसके बाद नहीं रहती, क्योंकि जब कटवट लगता है उसके कारण। 57 लोगों ने लाइक कर दिया, इसको फटाफट 60 पहुंचाओ यार, 57 क्या होता है? सॉरी आई एम नॉट भाई, आई एम अ गर्ल। ओके हाय सुमिता, कैसे हो आप? मुझे नहीं पता था कि आप गर्ल हैं एक्चुअली। तो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, 57 लोगों ने कर दिया है, 3 लोग और कर दो 60 हो जाते हैं। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर चैट का ऑप्शन नीचे ऑप्शन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। और बताइए, हाँ गीता जी मैं कॉलेज जाऊंगा बोल रही हैं गरिमा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, 37 एक घंटा आज पूरी रात तक जागरण है, जागरण पूरी रात नहीं है, बस अब बंद कर रहे हैं। आज एक्चुअली नींद नहीं आ रही, कल एग्ज़ाम है ना, अभी थोड़ा सा पढ़ना भी है इसके बाद, इसलिए। भाई स्क्रू निकालने में कंपलसरी है क्या? लाइफ लॉन्ग नहीं रख सकते शिवकेश्वर जी, लाइफ लॉन्ग मत रखिए प्लीज़, उसको निकाल लीजिए, उसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इम्प्लांट अंदर होता ना तो ये इशू आ जाते हैं कभी कभी, तो इसको आप रिमूव कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गीता जी आई एम ओके, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड आई एम ऑसम। सौमिता जी भाई आज पूरी रात जागरण है? नहीं नहीं जागरण नहीं है, बस सोते हैं। साइकिलिंग कितने किलोमीटर करानी चाहिए? जितना आपका पैर अलाउ करे उतना चलाओ आप। विशाल जी आप बोल, अगर आपको ये लगता है कि आप 4 किलोमीटर चला रहे हैं चलाइए, 8 किलोमीटर लगता है 8 किलोमीटर चलाइए, आपकी बॉडी अलाउ करेगी चलाइए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, यू टू टेक केयर। सौमिता जी टेक केयर, आराम करिए, बहुत ज़रूरी है इसमें रेस्ट करना भी। नो थोड़ी देर और ठीक है, नो ठीक है, थोड़ी देर और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब लगता है कि अक्टूबर में स्कूल जा पाऊंगा मैं, अब लगता है कि अक्टूबर में पक्का जा पाओगे, अक्टूबर में स्कूल जाइए और अपने दोस्तों से मिलिए, अच्छा लगेगा। नो थोड़ा और देर, ठीक है थोड़ी और देर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर, यू टू टेक केयर। सौमिता लाइफ चलाओ, लाइफ चलाए ना, लाइफ चल रही है। ओके भाई गुड नाइट, टेक केयर। सब लोग कह रहे हैं गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, आराम करिए। 58 लोगों ने लाइक कर दिया है, 2 लोग बचे हैं, जल्दी से 2 लोग लाइक कर दो इसको। नाइस टू मीट यू टूडे, नाइस टू मीट यू टू। सौमिता आप कहाँ से हो, क्या करते हो प्लीज़ बताएं। ओके थोड़ी देर और, ठीक है रेहान जी बोल रहे हैं थोड़ी देर और, तो थोड़ी देर और, अब तो बोल दिया तो रुकना ही है। और बताइए फिर क्या चल रहा है। तो 96 लोग बोल रहे हैं, 96% लोग बोल रहे हैं उनका विश्वास है, और 4% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं हम कभी ठीक नहीं हो सकते। वो लोग कौन है? वेस्ट बंगाल से हूँ। और तुम? मैं उत्तराखंड से हूँ। सौमिता जी मैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यस यस थोड़ा देर और, ठीक है यस यस। विवेक कुमार जी, व्हेन टाइम ऑफ एक्सरसाइज इज पेनफुल फॉर आफ्टर सर्जरी। विवेक कुमार जी आप बोल रहे हैं कि कब आपको एक्सरसाइज पेनफुल? आपको 20 डेज बाद, आपको 40 डेज बाद डॉक्टर बोल सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आपको 45 डेज बाद डॉक्टर एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हैं, वो दर्द थोड़ा करता है नी बेंडिंग में, प्लीज़ नी बेंडिंग को छोड़ना है, नहीं है, एक्सरसाइज करते रहना है, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके नितिन जी, ओके गीता जी, तो एक्सरसाइज पेनफुल हो सकती है, नी बैंडिंग करना पेनफुल हो सकता है, आपको SLR करना पेनफुल हो सकता है, लेकिन हमें वो छोड़ना नहीं है, हमें वो करते रहना है, करते रहोगे इशू नहीं आएगा। सौमिता आपका कौन सा फ्रैक्चर है? सौमिता जी आपका कौन सा फ्रैक्चर है बता दीजिए, निहार जी पूछ रहे हैं। ओ नाइस, क्या स्टडी कर रहे हो? मैं स्टडी नहीं कर रहा, मैं स्टडी करा रहा हूँ एक्चुअली, मैं आई एम अ टीचर। और सौमिता कुमार केम छो एमओ वेस्ट बंगाल से हूँ। सुमन भाई मंडल भाई, हमारे सुमन मंडल भाई भी वहीं से हैं, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के तो बहुत लोग आ गए यार। हमारा प्रीतम भाई भी वहीं से थे, हमारे सुमन भाई भी वहीं से हैं, और सुमिता जी भी वहीं से हैं, तो काफ़ी लोग हैं जो वहीं से हैं। फैजल भाई, भाई आज मैं पापा के साथ बाहर गया था तो एक्सीडेंट वाली जगह भी आई तो अजीब सा लगा, काफ़ी लगेगा स्टार्टिंग के डेज में हमें बहुत डर लगता है फैजल, ऐसा लगता है हमें कि वो जगह देख के वही टाइम याद आता है, लेकिन हमें उससे जाना है यार, लाइफ है, वहाँ जाना छोड़ना थोड़ी है, तो वहाँ जाना है, वहाँ जाके करते रहना है अपना काम, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, डरना नहीं है उससे हमें। हमको निहार आई डोंट हैव एनी फ्रैक्चर। सुमिता जी को कोई फ्रैक्चर नहीं है। हाय विक्की आनंद जी, बड़ी लेट आया, आप कैसे हैं? आपका फीवर कैसा है आप प्लीज़ बताएं, मुझे लगता है कि आपका फीवर अब उतर गया होगा, उतर भी जाना चाहिए। कैसे हैं विक्की भाई? वेस्ट बंगाल से। सॉरीफुल मीर भाई भी वहीं से हैं, वेस्ट बंगाल से बहुत लोग हैं यार। ओ हेलो सुमन बड़ी, हेलो सुमन बड़ी, ओके। अब डिसलाइक नहीं है, यानी कि जिसने डिसलाइक किया था उसने लाइक कर दिया है। कोई एक बंदा यहाँ पे है जो हमको पसंद नहीं करता, आई एम सॉरी भाई, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो आई एम सॉरी, मैं क्या बोलूँ।
3% लोग हैं, 97% लोग कह रहे हैं कि हो जाएंगे, 3% लोग अभी भी हैं जो कह रहे हैं नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब डिसलाइक नहीं है। गीता जी आप व्हाट्सएप में बात करना चाहते हो, गरिमा जी पूछ रही हैं। सर मुझे SLR में कोई दिक्कत नहीं है पर नी बेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। SLR में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नी बेंडिंग में हो रहा है। पीना पवार जी एक्सरसाइज करते रहिए, वो बहुत जल्दी हो जाएगी, करना ज़रूरी है, लगातार करते रहिए, 120 तक ले आइए उसको, फिर दिक्कत नहीं होगी। यस गरिमा जी, यस गरिमा, ओके। CSK वॉन वर्सेज MI, CSK फिर से जीत गई, CSK जीत गई, वेरी गुड। तो चेन्नई सुपर किंग यानी कि हमारे धोनी के फैन खुश हो जाइए क्योंकि CSK जीत गई। लेट मी लाइक दिस, आई टोटली फॉरगेट, लेट मी लाइक, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, 59 लोगों ने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच सौमिता जी, सॉरी, थैंक यू सो मच। सो आपका व्हाट्सएप नंबर गीता जी अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ तो शेयर नहीं करेंगे सबके सामने, अगर आपको चाहिए होगा आपस में मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूँगा, आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। निहार जी हाय किशोर सर, हाय किशोर सर, किशोर सर आ गए हैं। टीबिया फ्रैक्चर गैप गेट रिमॉडलिंग फर्दर एंड गैप गेट्स फुलफिल। समीर शेख जी कह रहे हैं टीबिया फ्रैक्चर गैप गेट रिमॉडलिंग फर्दर एंड गैप गेट फुलफिल। देखिए समीर शेख जी, अगर आपके गैप है फ्रैक्चर में, किसी के भी गैप होता है, डॉक्टर उसको क्या कहते हैं, डायनामेशन कर लो, एक रिमूव कर देते हैं, स्क्रू रिमूव कर देते हैं अपर साइड का। वो स्क्रू रिमूव करने से क्या होता है कि आपके बोन में प्रेशर पड़ता है और वो जो गैप है वो फिल हो जाता है। या डॉक्टर कहते हैं कि आपके बोन में बोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं, या डॉक्टर कहते हैं कि आप चलने लग जाइए, फुल वेट के साथ चलिए, वॉक करते करते वो चीज़ आ जाएगी। कई बार कहते हैं PTH इंजेक्शन लगाइए, तो PTH इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जो कि एक हार्मोनल इंजेक्शन है उसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं, बस ठीक होने से मतलब है। तो ये मत सोचो कि वो रिमॉडलिंग में जाएगा, रिमॉडलिंग में बस उसकी मॉडलिंग होती है, जो मोटा हो जाता है ना, कैलस चारों तरफ से मोटा हो जाता है, उसकी रिमॉडलिंग होती है और कुछ नहीं होता। तेलुगु क्या बोल रहे हैं, तेलुगु वल्लू इवनेरिया उन्नेरियू उन्नरा तेलुगु क्या लिखा है, एक मिनट दोबारा पढ़ता हूँ। तेलुगु वल्लू इवारिना उन्नारू, कोई है यहाँ पे समझने वाले? नितिन जी से लेकर ले सकते हो आप, नितिन जी से ले सकते हो, ठीक है गीता जी आपका नंबर मैं दे दूंगा। CSK जी हाँ है, कैसे हैं आप? CSK जीत गई है, ओके। सुमेर जी को भी CSK के हाय नितिन, हाय निहार रंजन जी हाय, आप ले लेना गीता जी मेरा नंबर सर से, ओके। किशोर सर मैच देख रहे हो, किशोर सर मैच देख रहे हैं बिल्कुल। तनेश्वर जी आई एम सैड, आज मेरा ब्रेकअप हो गया आई एम सॉरी। तनेश्वर जी आप बोल रहे हो आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप कैसे हो गया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ब्रेकअप हो गया तो वो दर्द भरे गाने सुनो, कौन सा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला गाना सुनो और चिल मारो आज, और पार्टी रखो यार ब्रेकअप की, कोई इशू की बात नहीं है, सैड नहीं होना है इसमें। घर पे सब ठीक होना, ठीक तो है ना, घर पे सब ठीक है सुमिता जी, आपके घर पे सब ठीक है, होना ही सही है, ठीक। नितिन जी आप मेरा नंबर दे सकते, दे देना गरिमा जी को, ओके। यस रॉकी जी मैं आया, ओके। अब ठीक है नितिन भाई, अभी मेडिसिन चल रही है, वायरल हुआ था, 3-4 डेज रहेगा, पर कल बहुत ज़्यादा था। हाँ आप बोल रहे थे 102-103 यार, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए वायरल है ना, वायरल का इशू नहीं है, वायरल तो ठीक हो जाएगा। ब्रेकअप पार्टी वाला सॉन्ग सुन लो, हाँ बिल्कुल सही बात है, मुंबई हार जाएगी आज, मुंबई हार गई आज, रॉकी भाई उन्होंने बता दिया कि हार जाएगी। बाय द वे कल मेरा बर्थडे है, ओके सौमिता जी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे पार्टी कर रही है क्या कल? मॉर्निंग में बर्थडे पार्टी में इन्वाइट ज़रूर करिए हम लोगों को, और हम लोग ज़रूर आएंगे। आई एम टू मच हैप्पी, मेरे को एक और बेस्टी मिल गई अब, थैंक यू गीता जी फॉर माई बींग माई बेस्टी। गरिमा बहुत खुश हो रही है आपसे मिलके, ओके। रॉकी भाई गोलू मोलू कैसा है, कैसा है गोलू मोलू रॉकी भाई? अरिजीत सिंह के गाने सुन लो, अरिजीत सिंह के गाने सुन लो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो अरिजीत सिंह के गाने सुन लो। ही इज़ गुड किशोर जी, ही इज़ गुड किशोर जी। गोलू मोलू ठीक है, गोलू मोलू ठीक है, ओके। नो, इट वॉज़ यस्टरडे, नो, इट वॉज़ यस्टरडे, आपने बोला कि कल है, मुझे ऐसा लगा आपने यही बोला था, ऊपर देख लें एक बार। बाय द वे कल मेरा बर्थडे था, था अच्छा हो गया, तो पार्टी भी कल हो गई होगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, सॉरी, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मुझे लगा कि कल है। रोहन जी कैसे हैं भाई? मैं बढ़िया रोहन जी, आप बताएं आप कैसे हैं? गरिमा जी आप गर्ल्स हो ना? गरिमा जी गर्ल्स ही हैं यार, मैं जानता हूँ पर्सनली उसको, वो स्टूडेंट रहे मेरी, मतलब पुरानी स्टूडेंट,
एक्सेस स्टूडेंट रही है, अभी वो उसका 12th पास आउट हो गया है कोरोना की वजह से, जय कोरोना करके पास हो गए हैं लोग, ये उनमें से एक है। तो गुड नाइट स्टूडेंट्स भाई, गुड नाइट सुमेध जी, गुड नाइट, टेक केयर, आराम करिए प्लीज़। कैसे हो भाई रोहन जी? मैं बढ़िया, आप बताएं। नहीं पार्टी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई पार्टी? और पार्टी नहीं हुई कोई बात नहीं, अभी तो जुबिन ट्रेंडिंग में है। हाँ अभी तो जुबिन ट्रेंडिंग में है, जुबिन नौटियाल का ट्रेंडिंग है आजकल तो। हाँ सही बात है। कैसे हो भाई? मैं ठीक। नहीं पार्टी, पार्टी नहीं हुई तो आज कर लो पार्टी, आज कराओ पार्टी फिर, और क्या, तो पार्टी कराइए जल्दी जल्दी। 94 और 6, 94% लोग कह रहे हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, और 6% कह रहे हैं नहीं हो पाएंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से पार्टी नहीं हुई, घर में तो पार्टी हो सकती थी लॉकडाउन में, ऐसा नहीं हो रहा है, अब तो सब खुल गया। आपकी टीम कौन सी है रोहन जी? मेरी कोई ऐसी टीम नहीं है फेवरेट, ऐसी कोई फेवरेट ऐसी खास कोई टीम नहीं है मेरे पास मेरी भाई। अरे भैया सिर्फ हमारे बैच ही कोरोना में पास नहीं हुआ, अरे भैया सिर्फ हमारा बैच ही कोरोना फैजल भाई का बैच पास नहीं हुआ, बाकी लोगों का हो गया। 62 लाइक हो गए हैं, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। पार्टी डरो सैटरडे को होती है, पार्टी तो सैटरडे को होती है, सही बात है, सही बोल रहे हैं। हमारे रोहन भाई की पार्टी भी होती है, और सॉरी हमारे रॉकी भाई की पार्टी भी होती है, और हमारे किशोर सर भी पार्टी कर लेते हैं। गीता जी गरिमा जी गर्ल्स की गर्ल्स हैं, गीता जी गरिमा गर्ल्स नहीं गर्ल है सही है सही, गर्ल्स नहीं है वो गर्ल है। भाई आपकी दुआ से ठीक हैं? अरे लव यू भाई, हमारी दुआ तो हमेशा आपके साथ है रोहन भाई, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ 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 यस यस गीता जी, हाँ हाँ यस यस भाई। तुम्हारा नाम क्या है? सुमिता जी आप कहाँ से आए हो, आपको कैसे लाइव का लिंक मिल गया? मेरा नाम नितिन है, और ये चैनल हम लोग फ्रैक्चर फाइटर्स के लिए बनाते हैं, और हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपना मोटिवेशन देते हैं सब लोगों को, ताकि सब लोग अच्छी तरह से ठीक हो जाएं, बस यही कारण है हमारा यहाँ आने का। जब हम 10th में थे तब भी हमारे पेपर हुए, और आज, और जब हम 11th में थे तब भी, और अब 12th का दे रहे हैं तब भी, अब 12th का देखते हैं, देखो क्या पता आ जाए कोरोना वापस, नहीं आना चाहिए वैसे लाइफ में यार, बहुत गंदा कर दिया था उसने। सच बताओ मुझे डर लग रहा है। गीता जी क्या, किससे डर लग रहा है आपको भाई? किशोर सर वॉकिंग वीडियो कुछ है तो दिखाएंगे। नहीं भाई मैंने कभी पार्टी नहीं की, ड्राई स्टेट है। हाँ ड्राई स्टेट है, ओके। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पार्टी कह रहा हूँ, वो वाली पार्टी नहीं कह रहा हूँ मैं, ड्राई स्टेट वाली पार्टी वो नहीं, लेकिन पार्टी तो कर सकते हैं। मतलब चिकन अगर आप खाते हैं तो चिकन तो खा ही सकते हैं ना शाम को, और हम तो पनीर में पार्टी कर लेते हैं, हम तो उसमें खुश है, पनीर के साथ कोल्ड ड्रिंक पी के फील ले लेते हैं पूरा। नहीं भाई मैंने कभी पार्टी नहीं करी। यस किशोर सर यस्टरडे बॉस के साथ पार्टी कर रहा था। हाँ ठीक है रॉकी भाई, किशोर सर इज़ अ मेंटर फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेटर भी हैं, हमारे लिए एक गाइडेंस जिनकी चीज़ होती है वो भी हैं, तो हमारे तो लाइफ में बहुत बड़ा रोल है सर का। और मैं आज भी वो टाइम याद करता हूँ, सर से मेरी पहली बार जब बात हुई थी, और शायद वो बात आधे घंटे तक हुई थी हमारी लगातार बात, और उनके मोटिवेशन से सच में वो मुझे पता है, जैसे हमारे पेरेंट्स डांटते हैं ना वैसे मुझे डांटते थे कि कितना आज मोड़ा तुमने, कितना करा हमने आज, करा नहीं करा, तो और मैं उनका रिप्लाई देने से बड़ा संकोच करता था, डरता था, कभी कॉल उठाने में डर लगती थी कि किशोर सर कहेंगे यार तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, मैंने देखो इतना बोल लिया, लेकिन वही डर था कि हम लोग इतना कर पाए और हम लोग ठीक हुए। तो लव यू सर। सर आई सेंड माय न्यू टीबिया एक्सरे समीर ऑन योर व्हाट्सएप, ओके समीर भाई अभी देख लेते हैं। थैंक्स नेहा रंजन जी, ये बातें ने सेंड किया है, ये बेटे ने सेंड किया है, अच्छा ये बेटे ने सेंड किया है, क्या सेंड किया है वॉश एंड, अच्छा अच्छा ये गोलू मोलू ने सेंड किया है हमारे। हाय भाई कैसे हो, बेटे का नाम बताओ ना प्लीज़, मैं उसका नाम लूँगा, प्लीज़ 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 रॉकी भाई बताओ ना क्या नाम है। किशोर सर इज़ अ मेंटर फॉर अस, ओके। तो मैं फटाफट आपका वीडियो देख लेता हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसा वीडियो है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। आज बहुत देर हो गई वैसे ना हमें, और कल मेरा पेपर भी है। नहीं सर समीर शेख का वीडियो एक्सरे देखते हैं, उसके बाद हम लाइव को क्लोज करते हैं। ये बेटे ने सेंड किया है, ओके नेहा रंजन दीन, थैंक्स नेहा रंजन भाई। योहान, हेलो योहान कैसे हो आप, क्या हाल चाल, क्या कर रहे हो योहान? हेलो योहान, हाय योहान, स्माइल कर रहा है कि नहीं कर रहा वो? हेलो योहान क्या कर रहे हो आप? योहान या नेम ऑफ रॉकी भाई, योहान या नेम ऑफ रॉकी भाई। तो ये एक्सरे है हमारे समीर भाई का, और समीर भाई को टिबियल प्रॉक्सिमल टिबिया फ्रैक्चर, अपर टिबिया फ्रैक्चर, प्लेट्यू फ्रैक्चर जिसको कह सकते हैं वो है,
स्वेलिंग तो अच्छी तरह से ये फिक्स कर दिया गया है समीर भाई, कोई इशू की बात नहीं है। अभी आपका नी कितना बेंड हो रहा है ये बताइए और कितना आप कर पा रहे। गुड नाइट भाई, गुड नाइट रियाजुल भाई, कल मेरा एग्ज़ाम भी है, मेरे को जाना है। स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है ना, लव यू जुहान। सर मेरी तरफ से बेटे को रॉकी भाई को हाय, सब सबकी तरफ से उनको हाय। समीर भाई बहुत अच्छा एक्सरे है, कोई इशू की बात नहीं है, आपका बोन हील हो रहा है जो कि एक अच्छी बात है। इसी के साथ आज की लाइव हम क्लोज़ करते हैं। 94% लोग कह रहे हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे और 6% कह रहे हैं नहीं। तो जो 6% लोग हैं मैं उनसे कहता हूँ प्लीज़ हार मत मानिए, सब कुछ ठीक होता है, आपके सामने होगा। वो 6% को भी मैं बता दूँ जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल घबराइए मत और बिल्कुल भी डरिए नहीं। गुड नाइट, गुड नाइट सॉरीफुल जी, आपका कितना हो गया एक्सीडेंट का? मेरे को हो गया 6 मंथ से ऊपर हो गया। सुमन जी बस ठीक हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच समीर भाई, ऑल द बेस्ट फॉर यू टू। 36 लोगों ने वोट किया है, देखिए 36 वो लोगों ने टोटल वोट किया है इसमें, और 6% लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएंगे और 94% लोग कह रहे हैं कि हो जाएंगे। इसी के साथ ये पोल को एंड करते हैं, गुड नाइट। और आज के जो हमारे टॉप चैटर रहे वो कौन रहे मैं देख लेता हूँ एक बार। तो 94 और 5 आपको दिख रहा होगा, 36 वोट के साथ ये जो हमारा चैट था वो ख़त्म हो गया और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। टॉप चैटर का मैसेज इसमें आ नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए था। टॉप चैट कौन सी है, चलिए कोई बात नहीं। पार्टिसिपेंट्स में है हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ दिख रहे हैं। ओके और पॉप आउट चैट। गुड नाइट लाइफ, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट, लव यू भाई, सब लोगों को गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मिहार भाई, गुड नाइट। ध्यान रखिए अपना, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। गरिमा जी आप सो गए, गरिमा जी नहीं सोती है, वो 12 बजे तक क्या बोल रहा था उसने, 4 बजे तक नहीं सोती है, लेकिन सोना ज़रूरी है। आप सबको बोल रहा हूँ कि सोना बहुत 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 ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्रेस करते हो और लाइक कर देते हो। गुड नाइट, गुड नाइट, ओके तो हम इसको कर लेते हैं क्लोज। गुड नाइट गाइज, स्वीट ड्रीम्स, आराम करिए, गुड बाय। जिस लोगों ने लाइव लाइक नहीं किया है अभी तक लाइक भी कर दीजिए, गुड बाय। एक लास्ट गुड बाय करते हैं, कहाँ गया वो गुड बाय मेरा, वो गुड बाय मिल नहीं रहा, यहीं पे था बाय बाय वाला गुड बाय। तो नोनो गीता जी नहीं सोइए, और समय समाप्ति की घोषणा, और समय समाप्ति की घोषणा बजर बजने के साथ, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब लोग ध्यान रखिए अपना, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए और प्लीज़ पॉजिटिव रहिए लाइफ में।